बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय वेब डेवलपमेंट सेशन। दिस सेशन इज मेनली इन उर्दू और हिंदी लैंग्वेज, बट यू आर वेलकम टू आस्क क्वेश्चन इन इंग्लिश और पंजाबी, एंड आई विल ट्राई to reply. As I already told that this session is mainly in Urdu or Hindi, so I will continue my session in Urdu or Hindi language. Thank you. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आमिर शहज़ाद, अटक शहर पाकिस्तान से। ये वेब डेवलपमेंट का सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और इस सेशन का टाइटल जो है, मैंने, अगर आपने मेरी पोस्ट देखी है तो उसमें एक इजाफ़ा किया है कि इसके जो तर्जमा किया है वो है मुफ्त जाले बुनना। तो इसके हवाले से इस रिकॉर्डिंग के आखिर में इंशाल्लाह मज़ीद बताया जाएगा कि ये किस मकसद के लिए लिखा है, और इसमें हम एक और सेक्शन शामिल कर रहे हैं। तो जैसे कि हमारी ये तरतीब है कि हम इसमें कुछ हिस्सा हमारे ये लर्निंग का होता है, और हम W3 स्कूल पर सेशन का कुछ हिस्सा कंप्लीट करते हैं जिसमें हम सीख रहे हैं HTML, इंशाल्लाह फिर आगे जावा, CSS, JavaScript, PHP, इस तरह ये चीज़ें हम करेंगे। तो मेरे चैनल पे यहाँ पे एक प्लेलिस्ट वेब डेवलपमेंट के हवाले से है, और ये जो सेशन आप देख रहे हैं ये साथ मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। ये मेरे पास सॉफ्टवेयर है OBS स्टूडियो के नाम से, ये लाइव सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, और उसके अलावा ये गूगल मीट पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं, मेरी स्क्रीन आप देख सकते हैं, जो लोग ज्वाइन करेंगे वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर वीडियो जैसे कि आप देख रहे हैं पड़ी हुई हैं, तो जो हमने लास्ट टाइम जो चीज़ की थी तो उससे हम फिर आगे शुरू करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने अपनी सहूलत के लिए इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे फिर मेंशन मैं कर दूंगा कि कौन सी चीज़ हमने शुरू की है और कहाँ तक की है। तो लास्ट टाइम हमने बहुत ज़्यादा नहीं किया था, क्योंकि ये जो टॉपिक था ये काफ़ी ज़बरदस्त टॉपिक था। इसमें आप लास्ट जो है वीडियो वो देखें, किस तरह ये डेवलपमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिव हम करते हैं, ताकि जो भी डिवाइस का साइज़ है उसके मुताबिक ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट या वेब ऐप वो एडजस्ट कर ले, यानी मोबाइल पे देखेंगे तो वो अच्छा उसका व्यू आएगा उस हिसाब से, और बड़ी स्क्रीन पे देखें तो उस हिसाब से वो आए। तो ये हमने सारी चीज़ें कवर की थी, तो अभी हम इंशाल्लाह आगे चलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, और इसको मैं वहाँ पे अपने पास नोट भी कर लूँ, और नेक्स्ट टाइम के लिए ये है कि जो ज्वाइन कर रहे हैं ये डिस्क्रिप्शन के अंदर ये चीज़ें मैं लिख दूँगा तो आपको फिर आसानी होगी। तो तकरीबन तो
5 मिनट हो गए हैं और ये हम अभी अपने सेशन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं HTML। यहाँ पे ये कि मैं साथ साथ लिखता जा रहा हूँ, तो आके फिर जब डिस्क्रिप्शन लिखूँगा तो उसमें फिर आप लोगों को भी आसानी होगी कि टाइम स्टैम्प हमारी क्या है। तो YouTube में मैंने देखा है, ये बड़ी अच्छी बात है कि उसमें आप जब टाइम इस तरह लिखते हैं तो YouTube क्या करता है कि ऑटोमेटिकली आपकी जो वीडियो है उसके साथ लिंक बना देता है उस टाइम का। तो उसमें ये फ़ायदा है कि आप अगर डायरेक्ट जंप करना चाहते हैं कि ये शुरू के 5 मिनट में बिल्कुल इंट्रोडक्शन टाइप चीज़ें थी, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएँ। फिर हम ये हमारा लर्निंग का सेक्शन है, तो इससे नेक्स्ट सेक्शन हमारा क्वेश्चन आंसर्स का होता है। बल्कि इसको हम तरजीह देते हैं, अगर कोई भी ज्वाइन करता है हमें सेशन तो उसको हम प्रायोरिटी देते हैं, पहले नंबर पे रखते हैं। तो सवाल जवाब या प्रॉब्लम सॉल्यूशन, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है इस सारे सेशन की रिकॉर्डिंग का। तो इसलिए फिर हम उसको उसको फोकियत देते हैं। फिर हम आखिर में ये कि कोई ना कोई टेक्नोलॉजी के हवाले से चीज़ शेयर करते हैं या डेमो उसका देखते हैं, या मज़ीद अगर किसी ने कहा और रिक्वेस्ट की हुई है तो उसको फर्दर उसको मज़ीद और चीज़ें उसकी देखते हैं। तो अभी शुरू में जिस तरह मैं बता रहा था कि इसके जब वेब डेवलपमेंट का सेशन हम कर रहे हैं मेन, तो इसकी इसमें हम वेब डेवलपमेंट सीखते हैं, लेकिन इसमें इसकी ट्रांसलेशन जब मैंने करने की उर्दू में, तो ये मुफ्त जाले बुनना बनती है। तो इसके बारे में मैं वजाहत करूँगा आखिर में। तो अभी हम जैसे कि ये सेशन यहाँ पे मार्क भी कर दिया, तो इसको हम शुरू करते हैं। बल्कि टाइम मैं अपडेट कर देता हूँ, क्योंकि फिर वही बात है कि बातें आप शुरू करें, एक्सप्लेन करना शुरू करें तो पता ही नहीं लगता टाइम का। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। इसमें अगर आप ये मेरे साथ पूरा फॉलो करते हुए आ रहे हैं, पुरानी वीडियोस देख के आ रहे हैं, तो आपको फिर ये मज़ीद आगे वाली चीज़ें और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएंगी। क्योंकि फिर मैं इस तरह कर रहा हूँ कि पुरानी चीज़ों को कोशिश कर रहा हूँ कि स्किप करता जाऊँ, कुछ चीज़ें बिल्कुल बेसिक लेवल की हैं तो वो फिर स्किप करते जा रहा हूँ। तो इसमें हम देखें डेमोन्स्ट्रेशन, हम इसकी देखते हैं। इसमें W3 स्कूल में अच्छी बात यह है कि एक तो इनका कंटेंट मवाद जो उन्होंने देखा हुआ है बहुत अच्छा कंसाइज है, बहुत मुनासिब, और फिर साथ में ये डेमोन्स्ट्रेशन भी आप इस तरह ऑनलाइन देख सकते हैं। हालांकि यही आप फाइल अपने कंप्यूटर पे आप बनाएं, सेव करें और ब्राउज़र में खोलें तब भी आप देख सकते हैं। तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं कि कंप्यूटर कोड एलिमेंट। तो कोडिंग से रिलेटेड जब आपने अपने वेब पेज के ऊपर कोई चीज़ दिखानी है तो आप ये कोड का टैग है इसमें आप लिख के बताएंगे कि ये अब कोड है आपने जो कि अपने प्रोग्राम किसी फाइल नाम से सेव करके कॉपी करना है और फिर उसको रन करना है या कंपाइल करना है। तो थोड़ा सा देखिए आप फॉन्ट ये ऑटोमेटिकली इसने चेंज कर दिया कोड के हिसाब से। फिर इसी तरह ये हम दूसरी एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे अगर डेमोंस्ट्रेट करना है कि आपने कीबोर्ड से ये चीज़ करनी है, तो ये हम पहले भी खैर ये वाला KBDG ये टैग हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो ये पुराने चैप्टर्स हैं मुझे याद पड़ता है कि ये हमने टैग पढ़ा हुआ है। तो इसमें देखें यहाँ पे इसका थोड़ा सा फॉन्ट और कर दिया है कि आप अगर पेज देखते हुए आ रहे हैं तो फिर आपको ये फ़र्क पता लगता है और समझने में आसानी होती है कि ये अब आपने एक्टिविटी कीबोर्ड से करनी है। उसके अलावा ये कि बाज़ चीज़ें अगर बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं भी लग रही तो जब आपके सर्च इंजन इन चीज़ों को देखते हैं तो वो इसको अहमियत देते हैं, क्योंकि उनको तो ये एज अ प्लेन टेक्स्ट फाइल इसी तरह नज़र आएगी जैसे यहाँ पर आ रही है, जबकि हमें इस तरह नज़र आएगी। तो वो इन चीज़ों को अहमियत देते हैं कि अगर कुछ सर्च कर रहा है कोडिंग के हवाले से या कीज़ कौन सी इस्तेमाल करनी है, तो वो इन चीज़ों को वेटेज देंगे।
और अगर आउटपुट को जाहिर करना है तो उसके लिए ये टैग है। और इसमें से देखें, ये टैग ऐसे हैं कि बहुत कम ही हमें ज़रूरत पड़ती है, मतलब मैं अगर अपनी बात करूँ तो ना होने के बराबर ये ज़रूरत पड़े हैं। लेकिन आपको पता होने चाहिए कि अगर सूरत हाल ऐसी बनती है या आप SEO फ्रेंडली अपनी वो करना चाहते हैं सारी डेवलपमेंट, तो फिर आपको ये छोटी छोटी चीज़ों को भी अहमियत देनी पड़ती है। जैसे कि ये सैम का टैग है कि ये आउटपुट आपको इस तरह नज़र आएगी। अच्छा, इसमें आपको अगर ये बात नहीं पता तो पता, अगर आप सेशन ये फॉलो कर रहे हैं फिर तो आपको पता होगी कि वाइट स्पेसेस HTML में उनकी अहमियत नहीं होती है, वाइट स्पेसेस की। और जहाँ पे ब्लाइंड ब्रेक आपने देनी है वो खुद मेंशन करेंगे, और कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो ब्लॉक लेवल हैं, वो ऑटोमेटिकली न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं, और उसके बाद अगर कोई एलिमेंट लिखा जाएगा वो भी न्यू लाइन पे आएगा, और कुछ होते हैं इन लाइन एलिमेंट्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं कोड तो इन्होंने 3 लाइनों में लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे एक लाइन में आ रहा है, तो उसकी वजह ये कि वाइट स्पेसेस को खुद ही ख़त्म करता है। जैसे यहाँ पे स्पेस अगर बहुत ज़्यादा भी आपने दी हुई है तब भी उसको वो एक स्पेस कंसिडर करेगा, हत्ता कि आपने यहाँ पे न्यू लाइन एंटर एंटर प्रेस करके न्यू लाइन यहाँ पे की है लेकिन ये उसको भी स्किप करेगा। और अगर आपने न्यू लाइन देनी है तो बी आर का टैग है वहाँ पे, आप खुद दे सकते हैं जिस तरह की पिछली एग्जाम्पल्स में दिया गया था। तो यहाँ पे फिर आपको ये इस्तेमाल हम करते हैं कि एज इट इज़ अगर आप दिखाना चाहते हैं तो फिर ये प्री का टैग इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको हम देखते हैं, तो अभी एज इट इज़ ये देखें आप आया है। अगर मैं मसलन यहाँ पे स्पेसेस दे के इधर 1 2 3 लिखता हूँ तो ये इसी तरह स्पेसेस के साथ आएगा। तो अगर हम प्री ख़त्म कर दें तो यहाँ पे ये सिर्फ एक स्पेस कंसिडर करेगा इसको। अगर मैं इसको निकाल देता हूँ, भले अब मैंने ज़्यादा स्पेसेस दी हुई हैं लेकिन ये इसको एक स्पेस ही कंसिडर करेगा। और वेरिएबल्स को मेंशन करना है तो VAR का टैग है, इस तरह आप कर सकते हैं। तो बहरहाल ये इस्तेमाल कर सकते हैं आप चीज़ें, मैंने तो मतलब ये इतनी अहम मुझे नहीं लगती, मैं मतलब नहीं की इनको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन करना चाहें अगर आपका फोकस है SEO उस हिसाब से भी अच्छा है। तो चलें एक्सरसाइज करते हैं। डिफाइन टेक्स वार पर्सन एज अ प्रोग्रामिंग कोड, तो इसको हम कोड के टैग से प्रोसेस करते हैं। ब्रैकेट स्टार्ट टैग का नाम, फिर ब्रैकेट क्लोज, और इसी तरह सेम लिखना है लेकिन आखिर में यहाँ पे स्लैश डाल देना है, तो ये क्लोजिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो एक्सरसाइजेज ये करने से थोड़ा सा आपको पता लग जाता है आपने जो पढ़ा है वो कैसा पढ़ा है। तो इसको सबमिट करते हैं, गलत भी हो सकता है, अगर गलत हुआ तो फिर आप दोबारा से चैप्टर्स को रिवाइज करें। तो आगे हम चलते हैं, और यहाँ पे ये देखिए, ये इनकी अच्छी बात है कि यहाँ पे ये लिंक्स पे अगर आप देखें तो ये इनके रेफरेंसेस को खोल रहा है, यानी आपने इन डेप्थ इनके बारे में देखना है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इन डेप्थ इनको देख सकते हैं। तो ये जो रेफरेंस वाला जो इनका एरिया है ये इस हिसाब से अच्छा है कि जब आप डेवलपमेंट कर रहे हैं और आपकी कोई सूरत हाल ऐसी आ जाती है या रिक्वायरमेंट आ जाती है, क्लाइंट कहता है कि आपने ये कोड का टैग ही इस्तेमाल करना है, तो फिर आप इसमें आके देख सकते हैं, इसकी डिटेल्स देख सकते हैं। जैसे मैं इसको एक को खोल के बता देता हूँ, बाकी इसकी वैसे ही डिस्क्रिप्शन, एग्जाम्पल, डेफिनेशन और ब्राउज़र सपोर्ट, मतलब इस तरह की सारी चीज़ें आपको पता लग जाती हैं। इसमें अभी हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाते हैं। तो अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हैं पुरानी HTML 4 में और फिर अभी आप HTML 5 में, अभी जो डेवलपमेंट हम करते हैं HTML 5 की करते हैं, तो उसमें एक चीज़ आपने अगर नोट की हो, सेमेंटिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा
फोकस है। एक हम बोलते हैं सेंटिक्स, कि आप अपने कोड को किस तरह लिखना है, उसकी रूल्स क्या हैं, रेगुलेशंस क्या हैं, और एक है उसके सिमेंटिक्स यानी उसकी मीनिंग क्या है। तो यहाँ पे बहुत सारे हम देखते हैं टैग्स जो HTML5 में आए हैं वो सिमेंटिक्स उनकी हैं और फिजिकली उसमें कोई चेंज नहीं है। जिस तरह डिव है ऑलमोस्ट वैसे हैं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स वैसे हैं और जो इन लाइन एलिमेंट्स हैं वो स्पैन की तरह हैं। और लेकिन ये है कि आप जब कोड देखते हैं तो आपको विजुअली आपको जेन में पिक्चर आपकी बनती है कि ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, जैसे हेडर, नेविगेशन ऊपर बार होगी, सेक्शन आपका कोई होगा, उसके अंदर आर्टिकल्स होंगे, फिर मजीद ये रिपीट हो सकती है चीज़, और साइड बार आपकी एक आ रही है और इस तरफ फुटर है, और ये इन्हीं चीज़ों के इन्होंने टैग भी बनाए हुए हैं। इस तरह की सेक्शन का टैग है, हेडिंग और आगे पैराग्राफ्स होंगे, एक सेक्शन बन गया, फिर दूसरी तरह अमूमन हमारे जो आर्टिकल होता है उसका हमारा एक टाइप हेडिंग होती है और नीचे पैराग्राफ्स होते हैं मुख्तलिफ। तो बज़ाहिर आप आउटपुट में देखेंगे तो कोई आपको फर्क नहीं लगेगा खास, और मैं अगर इसी की जगह पे डिव लिख देता हूँ चले, यहाँ पे तो खैर थोड़ा सा फर्क आया है नज़र, और वो भी मार्जिन्स का होगा या पैडिंग का होगा। तो थोड़ा सा वो डिफरेंस है लेकिन मेजर डिफरेंस नहीं है। जिस तरह मैं आपको कह रहा था ना कि ये ब्लॉक लेवल ही एलिमेंट हैं, तो इसको हम आगे जाते हैं फिर। एक आर्टिकल आया, दूसरा आया हेडिंग और टेक्स्ट, हेडिंग और टेक्स्ट, यही तरीका है। अच्छा, यहाँ पे CSS भी इस्तेमाल की है, हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है, आर्टिकल, हेडिंग और फिर उसके अंदर सब आर्टिकल। तो ये हम देखते हैं कि HTML के टैग्स जो हैं वो रिपीट कर सकते हैं, जैसे आर्टिकल्स के अंदर आर्टिकल टैग का टैग, फिर अंदर और नेस्टिंग मतलब लेवलिंग हो सकती है। तो स्ट्रक्चर देखें इसका, हम इसको बड़ा छोटा करके देखते हैं, इंटरेस्टिंग है। तो स्टाइल को अगर आपने समझना है, सीखना है, तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि इसको पहले कमेंट आप करें, स्टाइल को बिल्कुल स्टार्ट में ही आके आप कमेंट करें, फिर इसको रन करें, और फिर इसका स्ट्रक्चर आप पहले देखें कि ये स्ट्रक्चर है क्या। तो स्ट्रक्चर आपको HTML से पता लगता है। तो HTML में देखते हैं आर्टिकल का टैग है, हेडिंग है, फिर आगे सब आर्टिकल है और उसकी हेडिंग है, फिर पैराग्राफ है, ये भी सब आर्टिकल, ये भी सब सब, और फिर आगे मेन आर्टिकल क्लोज। तो इसको आपने अंडरस्टैंड करना है तो इसको वन बाय वन खोलें, और कमेंट करने के लिए CSS में हमारे ये स्टार्टिंग इस तरह हम करते हैं, जावास्क्रिप्ट में भी ऐसे कर सकते हैं, और क्लोजिंग के लिए कमेंट इस तरह कर सकते हैं। तो कमेंट यहाँ पे तो हमने खैर इस मकसद के लिए किया है कि ये इसकी एग्जीक्यूशन रुक जाए। वैसे तो कमेंटिंग का मकसद होता है एक्सप्लेन करना आपने जो काम किया है, तो हम ये दोनों मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसको अब हम वन बाय वन खोलते हैं, जैसे यहाँ पे इसको मैंने स्टार्ट यहाँ पे ले आया और इसको ख़त्म कर देता हूँ, और ये देखें ये है किधर, ऑल ब्राउजर्स। तो ये देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ऑल ब्राउजर्स का ये हमारा जो टॉप लेवल का आर्टिकल है वहाँ पे ये ऑल ब्राउजर्स के क्लास लगी हुई है। तो यहाँ पे क्लास का नाम ऐसे लिखते हैं और वहाँ पे हम डॉट के साथ लिखते हैं। तो इस पे मेन क्या चीज़ दी है जी, मार्जिन 0 की है। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट आपके
आपके मार्जिन डिव लेवल, जो डिव टाइप के एलिमेंट्स हैं उसमें मार्जिन कुछ ना कुछ ये होता है, और पैडिंग थोड़ी सी दी है, और बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे दी है, तो ये बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है इसमें। फिर आगे हम इसके कमेंट मूव करते हैं, तो अब देखें यहाँ पे जो पहली क्लास है ऑल ब्राउज़र, उसके रेफरेंस से ये चीज़ की है, और जब ये एरो इस तरह का डलता है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि उसका फर्स्ट लेवल का चाइल्ड। अब जैसे आप देखें कि ये वाली जो हेडिंग टू है, अब ये भी बेसिकली इस ऊपर जो आपका टॉप लेवल का आर्टिकल है उसका चाइल्ड है, लेकिन फर्स्ट लेवल के इसके चाइल्ड ये हैं, H1 है आर्टिकल है, और ये सेकंड लेवल का है। तो जब आप इस तरह मेंशन करते हैं तो ये आप उसको बता रहे होते हैं, स्पेसिफिक बता रहे होते हैं कि उसके जो फर्स्ट लेवल का चाइल्ड है वहाँ पे अप्लाई करनी है। और कामे का मतलब ये, कामे के साथ जितनी आप लिखते जाते हैं वो सब के ऊपर ये नीचे वाली जो क्लासेज हैं वो अप्लाई होंगी। जैसे ये ब्राउज़र की क्लास है, यानी H1 के ऊपर अप्लाई होगी जो कि ये है, और जहाँ पे ये ब्राउज़र की क्लास इस्तेमाल हुई है, और ये देखें ये यहाँ पे इस्तेमाल हुई है, अच्छा ये तो आपने अच्छा बताया है, लेकिन स्क्रीन तो मैंने शेयर की हुई है। चलिए मैं दोबारा से इसको बंद करके फिर करता हूँ। आते भाई फिर मुझे बताएं, अगर स्क्रीन अभी भी नहीं आ रही तो बताएं। अच्छा अभी अभी तो मुझे नजर नहीं आ रही है, मैं दोबारा इसको ट्राई करता हूँ। नेट का अच्छा मसला आ रहा है। अच्छा आपकी आवाज़ सही आ रही है और थकी नहीं आ रही। मैं ट्राई करता हूँ, मेरी स्क्रीन आपको आती है, पानी चेक कीजिए अगर मेरी आ रही है इसको मतलब ओके। कोई मसला आया हुआ है जिसकी वजह काफी देर से मैं कनेक्ट करूँ, कनेक्ट नहीं हो रहा। मैं उस 3 बज के कोई 1 मिनट से कनेक्ट कर रहा हूँ और ये 28 मिनट बाद में कनेक्ट हो। मैं ट्राई करता हूँ, मेरी प्रेजेंटेशन आपको सारी चेक कीजिएगा। जी ठीक है, आप शेयर करें, मैं देखता हूँ। शेयर करके दिया देखें। शेयर मेरे ख्याल है हुई नहीं है, क्योंकि शेयर होती है तो यहाँ पे एक और एंट्री नज़र आनी शुरू हो जाती है ना, जहाँ पे पीपल्स लिखा हुआ है ना, यहाँ पे एक और एंट्री अभी आ रही है। जी, मुझे पता है, मैंने जी, अभी आ रही है। आगे से देख। मतलब उसने एंट्री शो की है, अच्छा एंट्री लेकिन आपकी एंट्री मेरे पास आ रही है भाजन, आपकी एंट्री मेरे पास आ रही है लेकिन शो नहीं हो रही है। मतलब अच्छा आपकी भी यहाँ पे शो नहीं हो रही। मेरी चक्कर में कोई दिखा तो देना, मुझे भी दिखाएगा क्या। हाँ नहीं, उसका तो हाँ फिर ये कह रहा हूँ अब, कि प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा वाकई ये शो नहीं कर रहा है जी आपकी बात। आप पता है ये काम करें भजन, एक आइडिया मैं देता हूँ। अपना भाई अपना आमिर जी भाई, आमिर जी 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 आवाज आ रही है मेरी। एक काम करते हैं, आवाज तो बेहतरीन आ रही है आपकी, आवाज कैसी नहीं है। ऐसा करते हैं कि मैं अभी स्टॉप स्क्रीन करता हूँ, आप मुझे सिर्फ पेज नंबर बताएं, अपनी वो लिंक जो है ना जो अभी आप यूज करें वो वहां को मुझे लिंक सेंड करते, साथ साथ लिंक सेंड करते जाए तो वो मुझे, मैं उसको वहीं पे क्लिक वो खोल लेता हूँ, आप पर बोलते जाए वो काम हो जाएगा, कोई इशू नहीं। जी ये बात आप सही, बस हो सकता थोड़ी देर में खुद ही कनेक्ट होते। जी सही कह रहे हैं आप। ये मैं लिंक इधर चैट में शेयर कर दी है, ठीक हो गए। और जो मैंने अभी एग्जांपल खोली हुई है ना उसी इस चैप्टर के ऊपर ही, उसको भी मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, बेहतरीन है। आमिर क्योंकि इसी आमिर भाई, पाकिस्तान में और आईटी में कौन सा जुगाड़ नहीं चलता। चलिए मैं अभी ये एग्जांपल खोली हुई है, आप बेशक माइक फिर ऑफ कर दें अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो। मैं बंद कर दूँ ए। सही है। अच्छा तो जिस तरह देखें हमने ये कमेंट किया है, और यहाँ पे अभी हमने ये मैं कह रहा था कि ब्राउज़र अब ये यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, यानी कि जिस तरह यहाँ पे इसको हमने मार्क किया था कि ये
यहाँ पे चाइल्ड जो होगा एच वन ऑल ब्राउजर क्लास के चाइल्ड होगा, सिर्फ उसके ऊपर अप्लाई होगी। एक यहाँ पे इन्होंने ये कर दिया, और दूसरा ये है कि जहाँ पे भी ये क्लास इस्तेमाल हुई है वहाँ पे अप्लाई होगी। तो ये हम कोड में देख भी लेते हैं ये कहाँ कहाँ हुई है। तो पहली चीज़ तो ये आ जाती है, इसके ऊपर अप्लाई होगी, और फिर इसके ऊपर नहीं, इसके ऊपर तो नहीं, ये तो उसका सब चाइल्ड आ जाता है, मतलब मेन इधर ही होगी, मुझे और तो नहीं लग रहा फर्स्ट लेवल का चाइल्ड उसका। और दूसरा ये कि ब्राउज़र की क्लास जहाँ पे इस्तेमाल हुई है, यहाँ पे हुई है, यहाँ पे हुई है, यहाँ पे हुई है, और मेन किया क्या है, सिर्फ इन्होंने मार्जिन और पैडिंग दी है। इसको अब रन करते हैं हम, तो अभी हमको इसको ये नज़र आ रही है कि स्पेस। अब इसके अलावा हम देखते हैं कि इन्होंने कुछ चीज़ें देखे कॉमन होती हैं, तो वो कॉमन चीज़ें अप्लाई करनी होती हैं, तो वो फिर क्या करते हैं कि वो एक ही जगह पे बजाय इसके कि वो बार बार हर एक के साथ लिखें, वो यहाँ पे एक जगह पे लिख देते हैं। और कुछ अकेली चीज़ें होती हैं उसके ऊपर अप्लाई करनी होती हैं, तो फिर उसको अलग से लिखा जाता है। तो फिर जब ये अप्लाई होती हैं तो कंबाइन होके, इसलिए इसको कैस्केडिंग CSS बोलते हैं ना, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, तो उनको मर्ज करके वो फिर दिखाता है। तो यहाँ पे बैकग्राउंड वाइड किया और ये इन्हीं जगह पे हो जाएगा, जैसे कि ये हमें नज़र आ रहा है। और फिर आखिर में हम देखते हैं कि ब्राउज़र की हेडिंग टू को मार्जिन और फॉन्ट थोड़ा सा कम किया है साइज, और पैराग्राफ को भी। तो ये इन दोनों की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है। तो इसको हम रन करते हैं, तो ये फिर जिससे ये चाह रहे थे वैसे ही एग्जाम्पल अब पूरी हो गई है। तो बहरहाल देखने से एक अच्छा वो इफेक्ट मिल रहा है कि यहाँ से पूरा एरिया ये ग्रे है और बीच में ये वाइट आपको ना आर्टिकल्स नज़र आ रहे हैं। तो इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। नेस्टिंग हमने देखी है, वॉइस वर्सा कर सकते हैं। आनंद भाई, अभी सुफीन अदानी हुई है। हाँ अच्छा चले, ज़बरदस्त, ये तो फिर बहुत अच्छा हो गया है। तो नॉर्मल जो स्ट्रक्चर है वो तो यही है कि सेक्शन के अंदर आर्टिकल्स होंगे, लेकिन फिर ये भी पॉसिबल है कि आपके आर्टिकल जो आपने लिखा है बड़े टाइप का है, तो उसके अंदर फिर सेक्शंस भी हो सकते हैं। तो इसमें देखते हैं कि यहाँ पे ये क्या रिकमेंड करते हैं। आर्टिकल्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट सेल्फ कंटेन कंटेंट और सेक्शंस को डिफाइन करते हैं। तो कैन यू यूज डेफिनेशंस डिसाइड हाउ टू नेस्ट दीज एलिमेंट्स? नो वी कॉन्ट। सो यू विल फाइंड पेजेस विद सेक्शन एलिमेंट्स कंटेनिंग आर्टिकल्स एंड आर्टिकल्स कंटेनिंग, मतलब कंट्रोल तो वैसे भी वो नहीं कर सकते, क्योंकि HTML में आप देखें ना, अभी भी आप बहुत सी गलतियाँ भी करके छोड़ देना पेज, आपको फिर भी वो डिस्प्ले कर देता है, अपनी तरफ से वो कंप्लीट कर देता है, अगर आपने क्लोजिंग टैग जिस तरह नहीं लगाए हैं। लेकिन ये फिर हो सकता है कि आपको वो विजुअली कुछ और ही नज़र आ रहा हो जो आपने लिखा है उसके बजाय। तो हेड एलिमेंट आपके हेड सेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि ये ऊपर इसका हेड सेक्शन हम कह सकते हैं, और सब पेजेस में ये कॉमन होगा। सही है, और ये बिल्कुल इलॉजिकल होगा। सेमेंटिक्स का मकसद ही ये है कि लॉजिकली आप को क्लियर होता है कि ये किधर चीज लिखी हुई है। आर्टिकल की हेडिंग ही है। अब आर्टिकल की हेडिंग जो है ये तो अलग अलग होगी, मैं तो हेड सेक्शन की उस तरह बात कर रहा था। तो मतलब यहां पे भी आप उसको एज ए इस एरिया को एज ए हेडिंग हेडर एरिया डिफाइन कर दिए कि इस आर्टिकल की हेडिंग ये है। तो पेज लेवल की भी आप कर सकते हैं। फुटर के एग्जाम्पल हम देखते हैं, और अक्सर फुटर में ये चीज़ होती है, आपकी ईमेल दी होती है, इस पर क्लिक करें तो आपके जो क्लाइंट है, ईमेल क्लाइंट आपने इंस्टॉल किया हुआ है, आउटलुक है,
या और भी सॉफ्टवेयर हैं तो वो ओपन हो जाएगा। तो अभी तो खैर क्लाइंट जो है ना, ईमेल क्लाइंट लोग कम इस्तेमाल करते हैं, पब्लिक कम करती है, बाकी ऑर्गेनाइजेशंस में तो इस्तेमाल किया जाता है। तो उसका फ़ायदा फिर ये है कि ऑफलाइन अगर आप हैं तो भी आप ईमेल्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके पास कंप्यूटर पे सेव होती हैं। तो इसमें छोटा सा ये है कि रेफरेंस आपका जब इसका लिंक बनाते हैं ना, तो उसमें मेल टू और कॉलन ये लिखते हैं और आगे ईमेल लिख देते हैं। तो इसके ये है कि जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी मेरे पास तो शायद इंस्टॉल नहीं है क्लाइंट, इसीलिए अभी ये क्लिक किया है मैंने, लेकिन ये खुला कुछ नहीं हुआ है। तो उसके लिए फिर आपका क्लाइंट आपके पास होना ज़रूरी है इंस्टॉल, बल्कि इसमें बिल्ड इन हुआ हुआ है, लेकिन इसको खैर मैंने अभी यूज़ नहीं करना। इसमें मेरे पास इंटरनेट के सेक्शंस में होना चाहिए थंडरबर्ड मेल, ये बिल्कुल ये क्लाइंट हुआ हुआ है। इसको मैं क्लोज करता हूँ। मेन्यूज़ बनाने हैं उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ये टॉप लेवल पे, और अक्सर जो मेन्यूज़ इस तरह के बनाए जाते हैं तो ये पाइप साइन इस तरह का ये बीच में डाल दिया जाता है डिवीज़न को थोड़ा सा और वाजिया करने के लिए। सिंपल मतलब लिंक्स हैं। साइड बार के लिए ए साइड, दोनों साइड पे भी हो सकती है, एक साइड पे भी हो सकती है। तो यहाँ पे कोई कोड हमने लिखा नहीं है कि ये फ्लोट करे, तो अमूमन ये राइट या लेफ्ट आपकी साइड बार फ्लोट कर रही होती है। और ये भी नहीं है कि पूरे पेज के वो राइट और लेफ्ट हो सकता है, ऊपर वाले सिर्फ हिस्से में हो और नीचे ना हो। तो यहाँ पे सी एस एस इस्तेमाल हुई है, हम देखते हैं इसको। तो यहाँ पे इस एरिया को साइड बार के तौर पे किया है। तो इसका अच्छा तरीका, जैसे कि मैं करता हूँ कि पहले सी एस एस को कमेंट करता हूँ और फिर इसको स्ट्रक्चर को पहले आप देखें। स्ट्रक्चर सिंपल सा है, पैराग्राफ है, साइड बार बनाई है, फिर पैराग्राफ। और तो अभी हम सी एस एस को समझते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्टर्स जो इस्तेमाल किया है, इसको टैग सिलेक्टर बोलते हैं। टैग का नाम डायरेक्ट आप लिखते हैं। इसकी विड्थ मेंशन किया है 30%, यानी कि इस एरिया में तकरीबन, और फ्लोट राइट किया तो ये एरिया राइट साइड बन जाती है। पैडिंग लेफ्ट राइट अलग अलग से बता दी है, मार्जिन दोनों लेफ्ट साइड से, मार्जिन भी और पैडिंग भी। फॉन्ट साइज थोड़ा सा अलग कर दिया है और बैकग्राउंड चेंज कर दिया है। तो ये फिर हम देख सकते हैं। और ये वाला, क्योंकि जो आपका टेक्स्ट है इसमें हमने कोई भी फ्लोट इस्तेमाल नहीं किया है, तो ये अपने अपने नॉर्मल फ्लो में आया है, तो इसलिए ये फिर यहाँ पे राइट साइड पे ये चला गया। और ये वाला अपने, क्योंकि ये नॉर्मल फ्लो से निकल गया, तो ये फिर ऑटोमेटिकली इसके साथ ऊपर इस लेवल पे आ गया है। तो इसको हम क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सिमेंटिक्स हैं, ये साइड बार, फुटर, हेडर। तो इसमें हम देखते हैं हेडिंग है, पैराग्राफ है, और फिगर थी उसमें, इमेज है, और इमेज की कैप्शन दी हुई है, फिगर कैप्शन। तो फिर आगे ये रेफरेंसेस दिए हुए हैं, इसको हम स्किप करते हैं।
जी, क्या जी स्टाइल गाइडलाइंस और कन्वेंशंस हैं? सबसे अहम तो यह कि HTML5 आप यूज़ कर रहे हैं, ये डॉक टाइप HTML, ये तो आप लाजमी ही मेंशन करें। लोअर केस में किया जाते हैं, पहले रिकमेंड किया जाता था या लोग तरजीह देते थे अपर केस में, हालांकि अभी भी आप कर सकते हैं मिक्स, लेकिन अभी ये रिकमेंडेशन है कि आप जो टैग्स हैं वो लोअर केस में लिखें। ये पुराने तरीका था, वक्त के साथ साथ स्टाइल बदल गया। क्लोज लाजमी करें, जिस तरह यहाँ पे क्लोज क्लोज क्लोज, यहाँ पे स्किप कर दिया, हालांकि ये भी चल जाएगा। एट्रीब्यूट्स नेम जो है वो भी लोअर में लिखें, ये पहले ये भी कैपिटल में लिखे जाते थे, और इस तरह स्किप भी कर दिए जाते थे। ये जो वैल्यू है एट्रीब्यूट की, कोटेशन के बगैर दी जाती थी, ये भी बैड प्रैक्टिस है। स्पेस हो फिर तो लाजमी आपको मजबूरी है उसकी कोटेशन डालने, तो ये कहते हैं कि भले स्पेस ना भी हो तब भी रिकमेंडेशन ये है कि सब के साथ आप कोटेशन के अंदर वैल्यूज डालें। अच्छा, इमेजेस के लिए लाजमी आप ऑल्ट विड्थ और हाइट मेंशन करें, और ये अल्टरनेटिव जो है ये HTML, इसमें SEO के लिए भी अहम है। यहाँ पे स्पेसेस दी जा सकती हैं इक्वल साइन जो एट्रीब्यूट के, लेकिन रिकमेंडेशन यही है कि आप स्पेसेस ना दें। हालांकि देखने में ये स्पेस के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं भी जब ये प्रोग्रामिंग करता हूँ, वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करनी होती है तो स्पेस के राइट लेफ्ट, इक्वल साइन के राइट लेफ्ट स्पेस अमूमन दी जाती है, और उसमें कोड थोड़ा सा रीडेबल ज़्यादा हो जाता है, लेकिन इनकी रिकमेंडेशन ये है कि आप स्पेसेस ना दें। ठीक है, बहुत लंबी आप लाइन ना लिखें कि राइट लेफ्ट स्क्रॉल करना पड़े, अप डाउन स्क्रॉलिंग एक नॉर्मल सी बात है। ठीक है जी, बिला वजह आप ना लगाएं, यानी आपने लाइन ब्रेक्स की जगह आप पैडिंग और मार्जिन को इस्तेमाल कर सकते हैं इंडेंटेशन के लिए। अब देखें यहाँ पे जिस तरह इंडेंटेशन नहीं दी, तो मैं भी ऐसे ही अमूमन ये कोडिंग करता हूँ, और यहाँ पे स्पेसेस इंडेंटेशन दी है जो कि इस केस में अच्छा नहीं है। वैसे अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो फिर तो लाजमी आप इंडेंटेशन जो ब्लॉक्स हैं, कोड ब्लॉक्स आते हैं, इफ का है, वाइल का है, उनको लाजमी आप इंडेंट करें, उसमें कोड समझना आसान हो जाता है। अच्छा, मतलब जो टेबल्स हैं वहाँ पे इंडेंटेशन ये रिकमेंड कर रहे हैं, यहाँ पे इस लेवल पे नहीं कर रहे। लिस्ट है तब भी आप करें, टाइटल एट्रीब्यूट्स को स्किप ना करें क्योंकि ये यहाँ पे फिर नज़र आता है टैब के ऊपर। ब्राउज़र जो हैं वो बहुत फ्लेक्सिबल हैं इस हिसाब से कि आप चीज़ें स्किप कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ऐड कर देते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन आप छोड़ें नहीं खुद से, जैसे ये बॉडी HTML के ये स्किप किया है फिर भी कोड चल रहा है, कोड कोई मसला नहीं कर रहा। मेरे ख्याल है इसको भी अगर ख़त्म करूँ तो भी शायद ये चलेगा नहीं।
हेड सेक्शन स्किप कर देंगे तो ब्राउज़र खुद ही ऐड कर देगा इसका। अगर आप सोर्स कोड देखेंगे तो आपको वहाँ पे नज़र आ जाएगा कि ब्राउज़र ने ऑटोमेटिकली डाल दिया है। तो बात यह कि आप खुद मेंशन करें ज़्यादा अच्छा है। एम्प्टी एलिमेंट्स हम बोलते हैं जिसकी वैल्यू अंदर नहीं होती, जिस तरह हम वैसे नॉर्मल टैग लिखते हैं H1 और बीच में उसका कंटेंट होता है, फिर H1 को क्लोज करते हैं, तो इसको ये कहते हैं, ये भी अलाउड है। और इसका पहले जो स्टैंडर्ड था वो ये था कि जो इस तरह के एलिमेंट्स हैं जिनकी वैल्यूज़ टैग्स हैं, जो इनकी वैल्यूज़ नहीं होती, उनको इस तरह मेंशन किया जाता था। लेकिन अभी स्किप, इस चीज़ को स्किप किया जाता है ज़्यादातर, मैंने यही देखा है। तो आपकी जो XML और XHTML है ये इस चीज़ को सपोर्ट करती है, और ये नहीं होगी तो वो फिर मसला बनेगा। लैंग्वेज साथ में एट्रीब्यूट मेंशन करें कि पेज आपका जो लिख रहे हैं उसमें लैंग्वेज कौन सी है, और मेटा डाटा, इसमें मेटा डाटा जो है ये भी मेंशन करें कि ये यूनिकोड, मसलन यहाँ पे हम बता रहे हैं कि यूनिकोड इसमें करेक्टर्स आएंगे। ये तकरीबन स्टैंडर्ड पेज के अंदर यही चीज़ें होती हैं, जिस तरह की ये रिकमेंडेशन बता रहे हैं ये आपकी एटलीस्ट होनी चाहिए। जी देखिए, ऊपर जिस तरह हम छोड़ देंगे ये वाली चीज़ हम व्यू पोर्ट, तो फिर इस तरह का आएगा, तो जब ये रीडेबल है मोबाइल के ऊपर। कमेंट्स देखें, हमने CSS में और जावास्क्रिप्ट के देखे हैं, तो HTML में कमेंट स्टार्ट इस तरह करते हैं, और ये इसके अंदर जो आएगा ये कमेंट बनेगा। तो मल्टी लाइन भी ये कर सकते हैं, सिंगल लाइन भी कर सकते हैं। तो मेन मरकजी मकसद तो इनका ये होता है कि आप अपने नीचे जो काम किया उसको एक्सप्लेन करें, लेकिन हम कभी कभी अपनी सहूलत के लिए कुछ चीज़ को हम एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते तो उसको स्किप करने के लिए कमेंट कर देते हैं कि बाद में इसको फिर हम अनकमेंट कर लेंगे। टाइप को स्किप कर सकते हैं एट्रीब्यूट, जिस तरह जावास्क्रिप्ट में भी, उसमें हम यही मेंशन करते हैं कि टेक्स्ट फाइल है, और टेक्स्ट फाइल्स ही होती हैं। यहाँ पे स्किप किया है टाइप एट्रीब्यूट। और बाज़ वक़्त आपकी पेज की स्पीड स्लो होती है तो आप इसको मिनिफिकेशन बोलते हैं CSS की, तो वो ऑलमोस्ट आप इस तरह एक लाइन में ही CSS सारी लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे भी अब टाइप मेंशन नहीं की, इस एग्जाम्पल में IDs दो एलिमेंट को ID दे दी, जबकि ID तो एक ही एलिमेंट को असाइन की जानी चाहिए थी, यूनिक होनी चाहिए। यूनिक तो है क्योंकि इसमें कैपिटल में है, इसमें लोअर में है, और हेलो का वर्ड सिर्फ इस पे अप्लाई हुआ है कि जो एग्जैक्ट मैच हुई है।
तकरीबन सारी जगह पे लोअर केस का इस्तेमाल जो ज़्यादा हो गया है, टैग्स में, एट्रीब्यूट्स में, वैल्यूज़ में। तो यहाँ पे फाइल नेम जो है वो भी लोअर केस में लिखें, और लिनक्स या यूनिक्स जो है इसके ऊपर ये केस सेंसिटिव है, एक ये भी इशू है। और आपकी जो विंडोज़ है इसका जो IIS सर्वर है ये केस सेंसिटिव नहीं है। तो मिक्सअप करने के बजाय फिर एक स्ट्रेटेजी अच्छी है कि सब जगह पे आप लोअर केस लिखें। HTML फाइल के लिए दो तरीके हम एक्सटेंशन इस्तेमाल कर सकते हैं, HTM और HTML। तो ये ज़्यादा इस्तेमाल होती है इस तरह CSS के लिए, CSS, JavaScript के लिए JS। और इन दोनों के दरमियान HTM और HTML में डिफरेंस बेसिकली नहीं है, बहुत इसी के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। अच्छा, जैसे कि अमूमन सर्वर पे ये चीज़ डिफ़ॉल्ट जो फाइल है ना वो मेंशन की होती है, अक्सर जगह पे यही होती है index.html। और विंडोज़ के सिस्टम जो है सर्वर है IIS उस पर गालबन default.html के नाम से होती है। तो लिनक्स या यूनिक्स ये इनके सर्वर्स पे ये index.html या index.php ये चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट वो इनको लोड करता है, आप मेंशन नहीं करते। अब जब जब जिस तरह ये लिखा हुआ है तो ये ऑटोमेटिकली ज्यूम कर रहा है कि index.html ये है। तो इसमें हम चेक किस तरह कर सकते हैं कि एक्चुअली इन्होंने कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आप लिखें और फिर यहाँ पे आप खुद ही मेंशन कर दें index.html। इसका मतलब है कि ये इस्तेमाल नहीं कर रहे index.htm, ये भी नहीं कर रहे, फिर शायद ये डिफ़ॉल्ट कर रहे होंगे क्योंकि ये ESP लिखा हुआ आ रहा है ना साथ, जहाँ पे भी आप देख सकते हैं ऊपर .ESP, तो ये विंडोज़ सर्वर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये भी नहीं है, फिर हो सकता है इन्होंने सर्वर पे कुछ और डिफाइन किया हुआ हो। जी होम लगा रहे हैं, होम। सॉरी, बात समझ नहीं आई आपकी। HOM होम। होम वाला ना कर रहे हो मैंने। नहीं, मुझे आपकी समझ नहीं आ रही बात। आप मुझे लिख सकते हैं मैसेज में लिख सकते हैं, मुझे बात आपकी समझ नहीं आई, सॉरी। आवाज आ रही है लेकिन बात समझ नहीं आ रही। हेलो जी, आवाज आ रही है। मैं कह रहा हूँ HOM, अभी आपकी आवाज कट गई है। अभी तो मेरे एंड पे मसला लग रहा है। जी, राउटर जी, ये तो अब हो गया डिस्कनेक्ट, लेकिन क्योंकि मेरी ये रिकॉर्डिंग चल रही है तो ये अपलोड होगी, तो खैर ये आवाज़ तो मेरी जाएगी। चलें देखते हैं अब ये कितनी देर बंद रहेगा। तो इसमें यह कि ये यहाँ पे इन्होंने जिक्र किया डिफॉल्ट ये चीज़ें हैं, लेकिन जो है कि सर्वर टू सर्वर ये डिपेंड करता है। अब इनके सर्वर पे क्या है अभी हमें, मुझे ये समझ नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पे हमने जो ऑप्शंस थी वो ट्राई करके देखी हैं,
एक और चीज़ भी हो सकती थी, लेकिन अभी तो नेट नहीं है। लेकिन या डिफॉल्ट डॉट ASP, ये चीज़ चले ट्राई करनी रहती है। चलिए मैं इसकी रिकॉर्डिंग थोड़ी सी देर के लिए पॉज कर देता हूँ, जब तक कि नेट नहीं आता, या फिर देखता हूँ। जी आदि भाई, आवाज़ आ रही है? आ रही सर, आ रही है। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, स्क्रीन नज़र आए तो मुझे बताएं। असल में आप जी, देखिए हमने आखिर हो गई पे, सर, आ गई। देखिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन तो नहीं किया था, तो हम कह सकते हैं कि सॉर्ट ऑफ हैकिंग हमने की है, क्योंकि ये देख के तो मुझे नज़र आ रहा है ना कि ये ASP सर्वर इस पे ये कन्फिगर हुआ हुआ है। यानी कि वैसे नॉर्मली ज़्यादातर सर्वर्स जो हैं वो लिनक्स बेस्ड होते हैं, तो इसलिए अब देखिए यहाँ पे ये मेंशन नहीं है कि ये डिफॉल्ट डॉट ASP हो सकती है, लेकिन हर सर्वर पे ये एक डिफॉल्ट्स की बात हो रही है। लेकिन आप कुछ भी कर सकते हैं, चेंज XYZ.index, मतलब कुछ भी इसमें हो सकता है सर्वर पे। तो यहाँ पे डिफॉल्ट डॉट ASP डिफॉल्ट फाइल है, तो चले हम इसमें आगे चलते हैं। साथ में मैं यहाँ पे एक चीज़ पे कर रहा हूँ, इंस्टॉलेशन मैंने ये करनी है, क्योंकि एक भाई ने मुझे इसके लिए रिक्वेस्ट किया हुआ था। ERP OS में पॉइंट ऑफ सेल जो है ना, इसमें उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए, तो अच्छा, डिमॉन्स्ट्रेशन तो चले ऐसे भी हो जाएगी, डायरेक्ट भी हो जाएगी, नहीं बल्कि मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये मैंने खैर पीछे इसमें रिकॉर्डिंग्स में मैंने इसके इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर जो है ना वो कवर किया हुआ है। अभी तो मैं खैर जल्दी जल्दी कोशिश करूँगा कि जल्द अज जल्द ये हो जाए। बस ये इंस्टॉलेशन, HTML एंटिटीज में आपकी कुछ स्पेशल सिंबल्स आ जाती हैं जो कि नॉर्मली आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। दो तरीके हैं इसमें, वैसे जैसे जिस तरह हम स्पेस की न्यू लाइन के लिए BR का टैग यूज़ करते हैं, और स्पेस अगर आपको अगर देनी पड़े तो उसमें हम कहते हैं जी मार्जिन और पैडिंग देनी चाहिए। लेकिन अगर आप मार्जिन और पैडिंग नहीं देना चाहते, लेकिन फिर भी आपको कहीं पे 2 स्पेसेस 10 स्पेसेस चाहिए, आप ऐसे ही करना चाहते हैं, तो फिर आप ये कोड इस्तेमाल करेंगे, एन एंड साइन NBSP और सेमीकॉलन। तो ये आपके स्पेसेस डालने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे उनके नेम और नंबर, ये दोनों तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि ये इस तरह भी। तो ज़्यादा ये एंटिटी नेम वाला जो तरीका है ये ज़्यादा अच्छा है, लेस देन ग्रेटर देन। और ये इनकी एंटिटीज ये करने के ये भी ज़रूरत है कि कभी कभी है कि आपने HTML कोई एक पेज बनाते हैं जिसमें आप HTML को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आप HTML का टैग लिखते हैं H1, तो वो
वो अगर आप वैसे ही लिखेंगे तो वो तो फिर ब्राउजर प्रोसेस करके उसको H1 में तब्दील कर देगा बजाय उसको को दिखाने के। तो फिर आप ये इस तरह एंड साइन LT और ये GT सेमी कॉलन, ये फिर इस तरह लिख के आप कोड्स अपने HTML को मेंशन करते हैं। अच्छा, ये सिंबल इस्तेमाल होती है कॉपीराइट आखिर में वो शो करने के लिए, या रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है तो उसके लिए ये साइन। बहरहाल ये और साइंस भी हैं इस तरह डिस्प्ले कर सकते हैं हम, हमें तो शायद मुश्किल ही ज़रूरत पड़े। सिंबल्स आप जिस तरह ये शो कर रहे हैं दो तीन तरीकों से, अस्सलाम वालेकुम सलाम। पर क्या हाल है? जी नदीम भाई, कैसे हैं? हमारा सेशन चल रहा है और बहुत बहुत शुक्रिया। सर ठीक हैं आप? जबरदस्त है, आप कंटिन्यू करें। मैं अच्छा सर, इस तरह के हमारे जो सेशन है यहाँ पे, हमने इसमें सेक्शंस में थोड़े से वो डिवाइड किया हुआ है, तो इसमें जो पहला हमारा सेक्शन है इसमें हम ये HTML और ये W3 स्कूल से कुछ सीखने की हम ये गो थ्रू करते हैं, सही हो गया। और बाकी ये कि वैसे क्वेश्चन आंसर्स अगर कोई ऑनलाइन होके पूछता है तो वो हम जवाब देते हैं, और फिर तीसरा हम ये करते हैं कि इसमें कोई ना कोई टेक्नोलॉजी के हवाले से चीज़ें शेयर करते हैं, जैसे किसी प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ या कोई चीज़ मुझे नहीं पता लगती है जी कि इस तरह ये काम हो सकता है, हो रहा है, वो चीज़ें शेयर करते सही हैं। ठीक है। तो सुनाए सर, आप तो बहुत मसरूफ होते हैं। बस क्या करें जी, वेला बंदा जो है मसरूफ ही होता है। सर वेले तो नहीं होते आप, ये बात तो ना बोले। लॉजिकल बात है ना, वेला बंदा मसरूफ होता तो सर आप घूमते फिरते भी बहुत हैं, तस्वीरें आपकी मैंने देखी हैं। ना। उतना नहीं, कभी बस साल में कभी एक आध बार निकल गए यार, इस तरह से बस कोई प्लान बन जाए, वरना नॉर्मली बस वो लोग 9 to 5 करते हैं, हम 9 to 9 ही करते हैं काम। सही है। चलें आप कंटिन्यू करें। और सही है, ठीक है। आप बीच में कोई इनपुट देना चाहते हैं तो फिर बिल्ला झिझक आप कर दें, वरना यह है कि फिर माइक आप अगर म्यूट कर देंगे उसमें फिर सहूलत होगी कि मैं रोड पे जा रहा हूँ फिलहाल। जी। और इसमें आगे हम चलते हैं, सिंबल्स डिस्प्ले कर सकते हैं। ये चीज़ें काफ़ी मुझे बोरिंग लगती हैं, लेकिन ये बहरहाल आपको पता होनी चाहिए, ज़रूरत पड़ जाए तो फिर सेक्शन ये सारे गो थ्रू करने चाहिए। फिर अभी तो खैर इमोजीज वगैरह की आ गई हैं, वो तो और ही अच्छा काम हो गया है। बहरहाल आगे जाते हैं हम इसमें, इमोजीज ये कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो बेसिकली ये यूनिकोड करेक्टर्स ही हैं, आप कॉपी पेस्ट करते हैं। तो ASCII कोड अगर हम देखें ना, तो ये हमारे शुरू होते हैं कैपिटल जो है वो 65 से शुरू होता है ASCII कोड इसका ये होता है, और इसी तरह 97 से जो लोअर केस में करेक्टर है ना वो 97 गालबन होता है। अच्छा
जी अभी ये कि थोड़ी देर के बाद तकरीबन 8-1 मिनट के बाद फिर ब्रेक होगी नमाज के लिए। इसमें ये इमोजीज वाला जो सेक्शन है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अभी मेरी क्लास शुरू हो रही है, मैं जी सही है, ठीक है बड़ा रिकॉर्डिंग कर लीजिए फिर जी इंशाल्लाह जी देखते हैं। रिकॉर्डिंग चल रही है, ये साइन जो है ना हाँ ये रिकॉर्डिंग का आ रहा है, बिल्कुल रिकॉर्डिंग हो रही है इंशाल्लाह। फिर ये मैं रात के वक्त कोशिश करूँगा कि अपलोड भी ये हो जाए। नदीम भाई आप अभी क्योंकि ऑनलाइन कोई भी नहीं है ना और इसके अलावा, तो क्योंकि ये जो सेक्शन है ना ये लर्निंग वाला ये साथ साथ चलता रहता है, लेकिन ज़्यादा अहम जो है वो अगर कोई ऑनलाइन होता है वो ज़्यादा अहम है, उसके साथ इंटरेक्शन, कोई क्वेश्चन आंसर्स, क्योंकि हमारे पास होता ही है ना नदीम भाई के जो नए बंदे करना चाहते हैं शुरू या जो कर भी रहे हैं स्टूडेंट्स हैं वो, उनमें ये होता है कि वो जब काम करते हैं कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं, और फिर ये होता है कि सही वो अगर कोई रहनुमाई चाहते हैं तो वो क्योंकि स्टक हो जाते हैं तो फिर उनको रहनुमाई नहीं मिलती, वो फिर क्विट कर देते हैं। आसान हल बंदे को यही लगता है। ऐसे तो मेरा ही मकसद ये डेडिकेशन चाहिए ना, असल में जो लोग डेडिकेटेड में टाइम नहीं दे सकते वो फिर स्क्रीन से भाग जाते हैं। ऐसे ही है, मैंने बहुत से लोगों को देखा है, मतलब अगर 100 बच्चे मैंने देखा है ना अगर करते हैं इसमें इनरोल होते हैं प्रोग्राम में तो मुश्किल से 5 बंदे प्रैक्टिकली काम कर रहे होते हैं, हालांकि आप जो डिग्री कर रहे हैं वो प्रोफेशनल डिग्री है, तो टीचिंग में आ जाते हैं आसान। असल में ये जी सब्जेक्ट ऐसा है ना, इसके लिए आपको जो है ना वो आपको याद होगा कि मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता था कि आपको जो है ना वो यार वो अल्लाह वाले क्या होते हैं यार, उनके लिए एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं दरवेश, मजदूर, दरवेश या बस दरवेश कह लिए एक मजदूर, मजदूर। जी ये बोलते हैं, बिल्कुल साईं साईं भी बोलते हैं। हाँ तो वो जो होते हैं ना उनको बस दुनिया की कोई परवाह नहीं होती है, वो बस अपने उसमें मगन होते हैं। ठीक है तो सही है, मैं ये कहता हूँ कि ये फील्ड, इस फील्ड में अगर आना है ना तो आपको एटलीस्ट 1 ईयर के लिए ना मजजूब होना पड़ेगा कि मतलब साईं साईं जो भी है आपको डेडिकेशन से काम करना ही है। जहाँ पे स्टक हो जाना है उस चीज़ को एंजॉय करना है, उसको आपने इस सेंस में लेना है कि इससे आपकी लर्निंग हो रही है। तो अगर आप उससे फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे तो फिर तो इस फील्ड में आपकी वैसे भी जगह नहीं है, क्योंकि ये फील्ड ऐसी है कि इसमें आपको लाइफ टाइम चैलेंजेस आते ही रहेंगे। आपने नई टेक्नोलॉजी सीखनी ही है अपने आप को अपडेट बेशक रखने के लिए। तो अगर आपका ये एटीट्यूड है कि आप जो है वो थोड़ा सा सीखा नहीं समझ आई और तंग आके छोड़ दिया तो आप वैसे भी इस फील्ड में फिर सर्वाइव नहीं कर नहीं पाते कर करने सकते, के लिए। बेशक तो बेशक इसके लिए ये है ना आपको मतलब थोड़ा सा ऐसी डेडिकेशन चाहिए होती है कि अगर आपको एक इशू आ रहा है तो आप उसको पॉजिटिव वे में लें और उसके ऊपर जो है ना वो टाइम स्पेंड करें। जब तक वो इशू सॉल्व नहीं होता आपको सुकून नहीं आना चाहिए, तब बेशक आप इस फील्ड में सर्वाइव भी कर सकते हैं, फिर आपकी लर्निंग बहुत ज़्यादा होती है और आप बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा माइलस्टोन अचीव कर सकते हैं। यानी कि करंट बंदे के अंदर होना चाहिए। मैं नदीम भाई चाहूँगा कि थोड़ा सा मैं आपका तारुफ बयान कर दूं, क्योंकि ये सेशन लाइव साथ रिकॉर्ड भी मैं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग ऑनलाइन नहीं हो सकते तो फिर सही तो इस मतलब यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा तो फिर देख सकेंगे। नदीम इकबाल साहब मेरे उस्ताद हैं, टीचर हैं, मेरे सीनियर थे, एक सॉफ्टवेयर हाउस में हमने इकट्ठा काम किया है, तो माशाल्लाह बहुत अच्छे इनकी डेवलपमेंट स्किल्स हैं, मैं मतलब बहुत इम्प्रेस हूँ। यू। तो रिक्वेस्ट मैंने की थी नदीम भाई से और भी चंद लोगों से की थी, तो मेन मरकज़ी नदीम भाई यही मकसद था कि हम जो प्रोफेशनली काम कर रहे हैं हमें थोड़ा सा मंथली वीकली चंद घंटे निकाल के इस तरह के सेशन रिकॉर्ड्स करने चाहिए। बिल्कुल सही बात है आपकी, तो सही। कम्युनिटी में गिव बैक के लिए जो है वो हमें सबको एफर्ट करनी चाहिए। आप माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं और आप करते रहें,
हम भी कोशिश करते हैं लेकिन बस थोड़ी सुस्ती होती है। डेवलपर जो होता है बाय नेचर थोड़ा लेजी हो जाता है टाइम के साथ साथ। बाकी चीजों में लेजी हो जाता है, अपने काम में तो ठीक होता है। वही ना, मतलब उसी की बात कर रहा हूँ। अपने काम में तो वो फिर काम तो कर ही रहे हैं, वो तो जी एक वो आपकी बात है रूटीन ही ना, चल रहा है। नाइन तो टू बाकी नाइन, मैंने नाइन टू नाइन फिर वो बंदा उसी चीज पे रहता है। और ये आपकी बात आपने बहुत अच्छी की है कि जो चीज जिस चीज पे आप स्टक हो उस चीज के पीछे लग जाए, ऐसा ही है। हाँ तभी आप उससे फेज से जब आप निकल जाते हैं तो फिर आपको एक अचीवमेंट का भी होता है एहसास कि मैंने इसको कर लिया है फिक्स। ऐसा ही है। और उस वो एक इशू फिक्स करते करते आप साथ में चार छह चीजें और सीख चुके होते हैं। आपको शायद उस वक्त आइडिया नहीं हो रहा होता कि आपने सही है, उस एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए और कितनी सारी आने वाली प्रॉब्लम्स आपने साथ में सॉल्व कर ली हैं। आपकी साथ साथ इसमें जब आप उसको सर्च कर रहे होते हैं, आपकी एक जो और स्किल है वो ये है कि गूगल में जहाँ पे मतलब बहुत सा डाटा पड़ा हुआ है उसमें से अपने मतलब का कंटेंट निकालना, ये एक बहुत बड़ी स्किल है। बिल्कुल और आपकी वो साथ साथ फिर उसके अलावा आप एक इशू रिजॉल्व करते हैं। आप सपोज बहुत सारे थ्रेड्स में से गुजरते हैं, बहुत सारे लोगों के आंसर्स पढ़ते हैं, तो उन आंसर्स में आपके फ्यूचर में आने कई आने वाले इश्यूज का सोल्यूशन मौजूद होता है। तो वो आपके जहन सही। में कहीं ना कहीं स्टोर रह जाते हैं। तो जब कल को आपको कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो आपको उस प्रॉब्लम का अगर सोल्यूशन जहन में नहीं है तो एटलीस्ट उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो आपकी वर्डिंग है, जो आपने कीवर्ड्स यूज किए थे गूगल में सर्च करते हुए, कुछ ना कुछ आपके माइंड में होता है। आप उसको सर्च करते हैं तो आपका बहुत सा टाइम बच जाता है और आपके वो जो प्रॉब्लम जो अभी आपको फेस आई है वो भी आपकी टाइमली सॉल्व हो जाती है। तो इस तरह टाइम से आप जब करते रहते हैं इस तरह के इश्यूज के ऊपर डेडिकेटेडली काम करते रहते हैं तो आप और भी बहुत सी चीजें सीख रहे होते हैं जो सही तो है, फ्यूचर में आपके काम आनी होती हैं। यानी कि स्टार्ट में आपको ज़्यादा मतलब सीखना पड़ता है, करना पड़ता है, तो आगे जैसे जैसे जाते हैं आपके प्रॉब्लम्स उस तरह फिर वो कम होते हैं क्योंकि लर्निंग आपकी हो जाती है। तो और लर्निंग का हमेशा याद रखिएगा, डेवलपमेंट में खास तौर पे लर्निंग का पहला साल है। आपने पहले साल में जितनी मोटिवेशन के साथ डेडिकेशन के साथ लर्निंग कर ली है, इस पहले साल के ऊपर आपकी पूरी जो डेवलपमेंट की लाइफ है वो बेस करती है। आपने इसमें अपनी फाउंडेशन बनानी है, इसमें आपने अपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, अपना एटीट्यूड सही करना है टुवर्ड्स द लर्निंग और नई चीजें जी सीखने का आपका एटीट्यूड रहना चाहिए। क्योंकि आज आप PHP में काम कर रहे हैं, अब आने वाला टाइम जो है वो हो सकता है इस वक्त राइट Node.js का है। Node.js के ऊपर जब आप लर्निंग नहीं करेंगे तो मे भी आप पीछे रह जाएंगे। अच्छा, Node.js आपने सीख लिया, आप उसमें आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आपको 4 6 साल उसमें काम करते हुए हो गए हैं, कल को एक नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी। तो बिल्कुल फिर वो हमने एक जैप उसमें डेटअप स्क्वायर में एक इवेंट हुआ था बच्चों के लिए, उसमें यह था कि उसमें एक उस बंदा ने बड़ी अच्छी बात की थी कि ये जो हमारे अभी बच्चे बैठे हैं इन्होंने वो जॉब करनी है जो अभी तक क्रिएट भी नहीं हुई है। ठीक बिल्कुल है, तो अपने अपने बच्चों को हमने उन जॉब्स के लिए रेडी करना है जो अभी क्रिएट भी नहीं हुई है। तो बिल्कुल अभी जब अभी मार्केट में बहुत एवोल्यूशन हो रही है, नई चीजें आ रही हैं, इन बच्चों के ग्रेजुएशन करने तक और कौन सी टेक्नोलॉजीज आ चुकी होंगी, बहुत सी टेक्नोलॉजीज ऑब्सलीट हो चुकी होंगी, तो उन्होंने उन पे काम करना। तो ये है कि हमारे जो डेवलपर्स की लाइफ है ना, इसमें हमने अपने आप को अपडेट रखना है और इसके लिए हमारा ये जो लर्निंग का एटीट्यूड है ना, ये सबसे जरूरी है। और यकीन करें कि हमेशा जो पहली लैंग्वेज है वही सीखना मुश्किल होती है, सही बाकी है, लैंग्वेज सीखना कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल नहीं सब है सिर्फ आपको सिंटैक्स समझना होता है बस, के बिल्कुल इस लैंग्वेज में लूप ऐसे काम कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट में ऐसे काम कर रहे हैं, टाइपस्क्रिप्ट में ऐसे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने सिर्फ सिंटैक्स समझना होता है। तो जब आपने ज्यादा टाइम शुरू का जो पहला साल है या इतना शुरू का जो टाइम है वो आपने लर्निंग पे लगा दिया है, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए हैं, तो आपको आगे जाके नई लैंग्वेज नए फ्रेमवर्क सीखने में कोई प्रॉब्लम मसला नहीं नहीं होती। आप होता। विद इन डेज पूरा पूरा फ्रेमवर्क सीख जाते हैं आप। बिल्कुल सही कह रहा था। अच्छा मैं
मैं जिस कंपनी में हूँ वहाँ पे हमारा एक जो काम करने का स्टाइल है वो ये है, वहाँ पे ये नहीं होता कि आपको लेवल में कितने साल का एक्सपीरियंस है, ठीक वहाँ पे है। ये होता है कि कंपनी के पास एक क्लाइंट की लीड है जिसने लेवल में काम करना है। मैं अब पीएचपी का हूँ, मैंने लेवल को कभी देखा भी नहीं है, ठीक है। तो अब मेरा टीम लीड आएगा, मुझे कहेगा यार लेवल ओपन करो और लेवल की जो है ना आरएनडी करो, ठीक ये है 10-15 दिन है तुम्हारे पास, 10-15 दिन के बाद तुम्हारा इंटरव्यू होना है, हो सकता है 10 दिन बाद हो, 15 दिन बाद हो, लेकिन जो जब उनको लीड मिल रही होती है और जब सेल्स टीम की और मैनेजमेंट की आपस में बातचीत चल रही होती है, तो किसी एक डेवलपर को जो उनके माइंड में होता है कि इसको लगाना है, उसको उसकी आरएनडी पे लगा देते हैं। ठीक है, 10-15 दिन आरएनडी में में वो क्या, सीख जाने हैं उसने। 10 दिन भी हो सकते हैं, 15 दिन भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकता है, इससे भी कम हो सकते हैं। तो ठीक है, आपने हम लग जाते हैं आरएनडी में और डेली की हम आवरली अपडेट दे रहे होते हैं कि आवरली के अभी हम मैं किस पे काम कर रहा हूँ, क्या चीज सीख रहा हूँ, करते करते पूरे उस फ्रेमवर्क को एक बार गो थ्रू करना है, उसको इंस्टॉल करना है, उसकी डिफरेंट चीजों को समझना है, ठीक है जी। मेरी आरएनडी हो गई है, यानी कि मैंने टूल सीख ली है, अब मुझे प्रोजेक्ट दो, मैंने काम शुरू कर देना, ये एटीट्यूड होता है। और वहां पे ये नहीं किया जाता कि इस बंदे का 6 साल का एक्सपीरियंस है लेवल में, मैं अभी व्यू जेएस पे काम कर रहा हूँ, इससे पहले मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कुछ दिन मैंने आरएनडी की है, क्लाइंट को इंटरव्यू दिया है, और उसको ये नहीं कहा कि मेरा 6 साल का एक्सपीरियंस को बोला है कि मैंने आरएनडी कर ली है, मुझे इसकी नाउ हाउ का सारी नाउ हाउ हो गई है, अब मैं इस पे सही। काम शुरू कर देता हूँ, ठीक है। क्लाइंट ने दिया, उसने 10 दिन का जो है या 5 दिन का या नॉर्मली 24 आवर्स का जो है वो कह लें कि ओरिएंटेशन होती है, उसमें वो देखते हैं कि हाँ बंदे ने काम सही कर रहा है नहीं कर रहा, उनके साथ सही चल रहा है नहीं चल रहा, तो फिर उसके बाद क्या होता है कि हमें मतलब ग्रीन सिग्नल मिल जाता है कि ठीक है अब आप इसके ऊपर काम शुरू कर देते हैं। तो वो मतलब हमें अब मैं मुझे 3 महीने हो गए इस क्लाइंट के साथ काम करते हुए और पूरी एक प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, और ये नहीं है कि मैंने इसके ऊपर इस व्यू जेएस के ऊपर महीनों लगाए थे या मेरे इयर्स का एक्सपीरियंस है, सिर्फ आरएनडी की है, एक टेस्ट प्रोजेक्ट बनाया है और उसके बाद लाइव प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, नई चीजें साथ साथ आ रही हैं, समझ रहे हैं और उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो सही है। इसी तरह से इम्प्रूवमेंट आती है। और बात फिर मतलब मैं इसको रैप अप इस तरह से करूंगा कि पहली बार जो है वो लैंग्वेज किसी को भी सीखना मुश्किल है, उसके बाद किसी भी लैंग्वेज किसी भी फ्रेमवर्क पे मूव करना बहुत आसान होता है, सिर्फ आपको सिंटैक्स समझना होता है। यानी कि आपकी जो प्रोग्रामिंग एक दफा आपने सीख ली है तो फिर आपके कोई भी फ्रेमवर्क कोई मसला नहीं काम करना। बेसिक तो आपकी लॉजिक्स है ना, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स हैं, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स आ जाती हैं, तो आप किसी भी लैंग्वेज में कर रहे हैं तो वो आपको वही लूप्स यूज करने हैं, वही कंडीशंस यूज करनी है, वही रिक्वेस्ट यूज करनी है, एपीआई यूज करनी है, मतलब प्रोग्रामिंग तो बेसिकली अगर आप पीछे जाएं तो प्रोग्रामिंग तो एक वही है, सिर्फ ये है कि सिंटैक्स चेंज हो जाते हैं, व्यू में डिफरेंट है, रिएक्ट में डिफरेंट है, एंगुलर में डिफरेंट है, लेरवेल की अप्रोच थोड़ी डिफरेंट है, कोडिंग राइटर की डिफरेंट थी, बिल्कुल इसी तरह से केक पीएचपी या बाकी जितने भी फ्रेमवर्क हैं उनके डिफरेंट है, वर्डप्रेस सीएमएस है उसकी उसका जो है डेटाबेस का स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है, तो उसमें भी मेथड्स यूज हो रहे हैं, फंक्शंस यूज हो रहे हैं, क्लासेस यूज हो रही हैं, ड्रुपल में चले जाएं वो भी अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड उस पे फ्रेमवर्क पे है और सीएमएस भी है वो यूज हो रहा है, बैकएंड पे सिम्फनी यूज हो रही है, डिफरेंट ट्विग वगैरह यूज हो रही हैं, तो बेसिकली अब जो भी चले जाएं ट्विग में भी इफ कंडीशंस है और लेरवेल में चले जाएं उसमें भी अब वही चीज है, सिर्फ क्या है लेवल के अपने ओ आर एम है, मैथड्स हैं, उसके मिडलवेयर्स हैं, कुछ मॉडल्स हैं, कंट्रोलर्स हैं, व्यूज हैं, इनके स्ट्रक्चर्स को आपने फॉलो करते जाना है, और आपको एक मरतबा एक एमवीसी का आइडिया हो गया, बाकी एमवीसी आपके लिए मुश्किल नहीं है, बात फिर वहीं पे आएगी कि बाकी किसी और एमवीसी पे आपने मूव करना है, तो आपको उसको सिंटैक्स समझना है, उसका स्ट्रक्चर समझना है, उसका लाइफ साइकिल समझना है कि रिक्वेस्ट कहाँ से जनरेट हो रही है, हुक्स कौन कौन सी हैं, कब कब इसमें हुक्स यूज हो सकती हैं और कम कब कब हम जो है वो इंटरेक्ट कर सकते हैं कोड के साथ बगैर कोड को चेंज किए, तो सिर्फ यही है कि आपको सिर्फ वो टेक्निक सीखनी होती है, सिंटैक्स समझना होता है, सिर्फ बस पहली जो बिल्कुल लैंग्वेज है उसमें आपने डेडिकेशन से काम करना है और उसी की बेस पे आप आगे जो है ना वो लर्निंग करते जाएंगे और काम करते जाएंगे। बल्कि मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो भी प्रोग्रामिंग को एज अ कैरियर
चूज करते हुए वो कतराते हैं। हालांकि कोर्स में वो एक से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस पढ़ते हैं, लेकिन मुझे जो बात समझ ये आती है कि वो जो चीज़ नहीं समझते हैं वो ये है कि प्रोग्रामिंग जो है ना उसको वो सही तरह नहीं समझते। लैंग्वेजेस वो बहुत सारी पढ़ लेते हैं, उनको ठीक है सेंटेंस का भी थोड़ा बहुत पता लग जाता है, लेकिन जो एक अहम चीज़ है कि आपको एक छोटा सा टास्क दिया जाए, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल है ना वो उनकी डेवलप नहीं होती। लड़के अमूमन कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, अपने सीनियर से कह देते हैं, जो एक लड़का ज़्यादा तेज़ है उससे रिक्वेस्ट कर देते हैं जी हमें बना के दे दें, तो उनकी ये और वाली आदत ख़राब करती है उनको। बस यही अलमिया है ना हमारे हम लोगों का कि हम लोग जो है वो कहते हैं कि आप ये जो टाइम है ये गुजर जाए, बाद की बात में देखेंगे। तो ये जो एटीट्यूड है हमारा ये फिर हमें लेट उठता है। वो फिर अब आईटी की फील्ड में आ गए हैं और आपने मेजर अपना प्रोग्रामिंग रख ली है और अब आप प्रोग्रामिंग में भी नहीं जाएंगे तो फिर क्या करेंगे आप? टीचिंग करेंगे इसमें अगला फिर अलमिया ये है ना कि एक चीज़ें खुद से ही नहीं सीखी हैं, फिर आप टीचिंग लाइन में आ जाते हैं तो तो टीचिंग में आपको प्रैक्टिकली खुद पता नहीं है, थ्योरी भी पढ़ाएंगे तो वो फिर जी अल्लाह ही हाफिज़। आगे जो स्टूडेंट आएंगे वो फिर ऐसे जी ही होंगे। तो उनका भी अल्लाह हाफिज़ होगा फिर। अच्छा सर, इसमें ये हम जो इसमें कर रहे हैं कोशिश, मैं मतलब ये वैसे अपने जेन में यही आया था कि जी W3 स्कूल पे ये HTML को एक दफ़ा गो थ्रू करता हूँ, एक दफ़ा CSS को गो थ्रू करता हूँ, एक दफ़ा JavaScript को, एक दफ़ा PHP को, तो ये फिर एक वो पूरा एक वेब डेवलपमेंट का वो साइकिल पूरा हो जाएगा। तो मेरे जेन में ये चीज़ है, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि ये ठीक है ऐसे ही इसको कंटिन्यू करना चाहिए या इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करें? ये डिपेंड करता है आपकी ऑडियंस पे। अगर आपकी ऑडियंस जो है वो आईटी की डिग्री करके आ रही है तो तब मेरे ख्याल में ये चीजें बेहतर नहीं है, क्योंकि अच्छा सही है। उसकी रीजन है, उसकी रीजन ये है कि जब आप 16 ईयर डिग्री कंप्लीट करके आते हैं ना तो आपका मेच्योरिटी लेवल इतना होता है कि आप इन चीजों को एक मरतबा भी गो थ्रू करेंगे तो आपकी चीजें समझ आ जाएंगी। आपको बेसिक प्रोग्रामिंग का पता है, आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के स्ट्रक्चर का पता होता है, डेटाबेस क्या चीज है ये पता होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के रूल्स क्या होते हैं, सारी चीजें पढ़ी होती हैं, बार बार पढ़ी होती हैं, पता होता है। ठीक है सही है। मैडम, और उसका उन लोगों के लिए जो खास तौर पे डिग्री करके आ रहे हैं उनके लिए इंटरेस्टिंग चीज, ये चीज इतनी इंटरेस्टिंग नहीं होगी उनके लिए, वो जल्दी बोर हो जाएंगे इससे। ठीक है। उनके लिए इंटरेस्टिंग चीज ये होगी कि आप एक छोटा सा प्रोजेक्ट स्टार्ट करवा दें। ठीक है, लाइक आप उनको बताएं कि आज जो है ना हमने लॉगिन पैनल बनाना है, ठीक है, राइट, तो उसमें वो रिलेटिवली ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है, ठीक है, और उसमें जब इंटरेस्ट लेंगे उसमें जो कुछ भी आ रहा है, जो मेथड आप यूज कर रहे हैं, जो अब लाइक आपने अगर लॉगिन का पेज बनाना है उसमें आप इफ कंडीशन भी यूज करेंगे, उसमें आप वाइल लूप, सॉरी लूप अगर नहीं यूज करते मे भी स्विच यूज करें, मे भी आप पोस्ट के वेरिएबल यूज ठीक है, करेंगे, फॉर्म फॉर्म यूज करेंगे, फॉर्म को गेट करने का और के मेथड्स यूज करेंगे कि फॉर्म की वैल्यू दूसरे पेज पे कैसे गेट करते हैं, क्यूरी स्ट्रिंग मे भी आप यूज कर लें। तो आप एक लॉगिन का फॉर्म बनाते हुए उनको बेशुमार चीजें सिखा सही देंगे। है। मतलब टास्क ओरिएंटेड उनके लिए जो है ना वो चीज़ें टास्क ओरिएंटेड होंगी तो वो ज़्यादा उनके लिए वो इंटरेस्टिंग होंगी। ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी रिलेटिवली थ्योरी के, क्योंकि 4 साल वो डिग्री में पहले ही थ्योरी पढ़ के आए हुए हैं, ठीक है, लाइक मैं हूँ, मुझे थ्योरी में मुझे थ्योरी से मैं बोर हो जाता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैंने कोई नई चीज सीखनी है ना तो पहले कोशिश करता हूँ कि उसका सिर्फ लाइफ साइकिल समझ लूँ और उसमें जो अगर कुछ डिफरेंट नई चीजें हैं जो प्रोग्रामिंग से हटके हैं तो उनको एक मतलब गो थ्रू कर लूँ और फिर किसी कोई एक टास्क पे या कोई वीडियो ट्यूटोरियल देख लूं, या किसी उस और वीडियो ट्यूटोरियल भी अगर देख रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि वीडियो ट्यूटोरियल स्टार्ट किया उसको एंड किया, क्यों ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप एक वीडियो ट्यूटोरियल देखें और उससे कुछ समझ सकें, उसको मिडल में आपको नींद आ जाती है, ठीक ठीक है। है, उसका सबसे बेहतर सोल्यूशन ये है आप एक वीडियो ट्यूटोरियल ओपन करें, दूसरी साइड स्क्रीन पे या स्क्रीन के दूसरी साइड पे आप अपना एनवायरनमेंट ओपन करें, ठीक है, जो कुछ वो कर रहा है अगर वो आपको साथ साथ समझ नहीं भी आ रही एटलीस्ट उसको टाइप करते जाएं, ठीक है, अप्लाई करते जाएं साथ साथ। उसको अप्लाई करते जाएं, वो आपके लिए इंटरेस्टिंग भी होगा, आप उससे बोर भी नहीं होंगे, आपको नींद भी नहीं आएगी और जब वो ट्यूटोरियल खत्म होगा तो आप प्रैक्टिकली उसको एक बार कर चुके होंगे, अगर आप उसकी परसेंटेज लें तो 100 में से 20 या 15% आपको
चीज वो समझ आई होगी कि जो आपकी एटलीस्ट ग्रिप बन चुकी होगी, जो आप दोबारा अगर उसको टाइप करना चाहें या कहीं और इम्प्लीमेंट करना चाहें तो आप उसको कर सकेंगे। और मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप एक वीडियो ट्यूटोरियल देखते हैं तो उसको एटलीस्ट 2 मरतबा जरूर उसकी प्रैक्टिस करें। ठीक पहली मरतबा अगर आपको 20% समझ आती है तो दूसरी मरतबा आपको 50% समझ आएगी। ठीक और है, अगर पिछली बार कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको क्लोज क्लोज हर चीज की समझ आ जाएगी, फिर अगले ट्यूटोरियल पे मूव कर दें। और इस ट्यूटोरियल की आपको समझ आ गई ना, तो अगले ट्यूटोरियल में इसमें से हो सकता है 20-30% जो पोर्शन है आपको अगले ट्यूटोरियल में रिपीट हो रहा होगा, लाइक कंडीशन रिपीट हो रही होगी, लूप रिपीट हो रहे होंगे आपको। हो सकता है अभी आपने फॉरिच पढ़ा है, नेक्स्ट में भी आप कोई लिस्टिंग कर रहे हैं तो आपको फॉरिच का पता होगा। पीएचपी की मैं अगर बात करूँ तो फॉरिच का पता होगा कि एरे को कैसे ट्रीट करते हैं, फॉरिच में और बाकी में क्या डिफरेंस है। तो ये प्रैक्टिकली जब आप करेंगे तो टास्क ओरिएंटेड टास्क में ये होता है कि आप जल्दी बोर नहीं होते। थ्योरी में हम बोर, क्योंकि थ्योरी ये चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप उनको आज 3 घंटे में 10 टॉपिक पढ़ा देते हैं ना, तो उनको हो सकता है एक टॉपिक भी याद नहीं रहेगा। और हम लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम उसको वापस जाके रिपीट नहीं करते कि भाई आपका वो क्लास खत्म हुई है और मैं क्लास के बाद बैठ जाऊंगा कि मैं इस चीज़ को दोबारा एक मरतबा फिर गो थ्रू करूँ, शायद मुझे इसकी अच्छी समझ आ जाए। हम लोग ऐसा नहीं करते, तो फिर ये है कि थोड़ा थोड़ा सा फीड करते जाए जो उनको समझ आती जाए। अगर उसमें से सारा नहीं भी समझ आता, आधा या क्वार्टर भी समझ आता है तो वो भी इनफ है, अगले किसी एक टास्क में वो लाजमी रिपीट होगा और इस तरह से उनका इंटरेस्ट डेवेलप होता जाएगा। तो राइट, थ्योरी बेशक रखें लेकिन थ्योरी मैं तो सजेस्ट करूंगा अगर वो लोग जो आपके बारे डिग्री करके उनको थ्योरी के ऊपर लगाने के बजाय डायरेक्ट टास्क ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स हैं। और अगर कोई ऐसे आ रहे हैं जिनका आईटी का बैकग्राउंड नहीं है जी, तो उनके लिए आप जो है वो स्पेसिफिक पोर्शन रख दें शुरू में या आखिर में या इस तरह से कि ताकि जो वो दूसरे लोग हैं वो बोर ना हो, ठीक है, वो या उस टाइम को अपनी प्रैक्टिस कर लें और आप जो है वो उस पर काम कर रहे हो। तो इस तरह से ये है कि जो है ना थोड़ी सी डेडिकेशन बढ़ जाएगी टास्क ओरिएंटेड टास्क जब आप करवाएंगे उनसे, उससे ये होगा कि जब वो एक लाइव एप्लीकेशन बनते हुए देख रहे होंगे ना तो उससे ज्यादा इंटरेस्ट डेवेलप होता है। राइट सर, बिल्कुल। अच्छा सर, ये बताएं कि आप अभी वो डेटम स्केयर में ही कंपनी में हैं या किसी और जगह पे हैं? जी मैं डेटम स्केयर में। अच्छा सर, आप ये बताएं कि आपका प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ या कौन से ईयर में आपने पढ़ा या काम किया, तो फिर बंदे को जारी बात है इंटरेस्ट शुरू होता है, तो वो क्या सिचुएशन थी? प्रोग्रामिंग बेसिकली एक काइंड ऑफ टेक्निकल फील्ड है और मेरा वैसे भी बैकग्राउंड रहा है, मैं मतलब कंस्ट्रक्शन के काम से आहिस्ता आहिस्ता मूव हुआ इधर डेवलपमेंट से, या कह लें डिग्री से पहले मैं साथ साथ जो है वो ब्रेड एंड बटर के लिए भी कुछ ना कुछ करता था। ठीक है, तो खैर वो मैं वो एक टेक्निकल चीज़ है और मेरे माइंड सेट ऐसा है कि मुझे टेक्निकल या मैथमेटिक्स कह लें या प्रोग्रामिंग जैसे सब्जेक्ट्स हैं ये मुझे ज़्यादा जल्दी समझ आते थे रिलेटिवली थ्योरी के, जिसमें मुझे रट्टा मारना पड़े उसमें मेरी जान जाती थी। ठीक है, तो मैं जेबिस्ट में जॉब करता था 2005-06 की बात है, और मेरी जो टाइमिंग होती थी वो मॉर्निंग होती थी और मॉर्निंग में जब क्लास होती थी और मैं उस वक्त कंप्यूटर लैब में बैठता था और मतलब मेरी ड्यूटी जो है कंप्यूटर लैब में हुआ करती थी, और मैं जब क्लास हुआ करती थी इनकी कंप्यूटर साइंस वालों की तो मैं उधर बैठा होता था। तो मुझे उस वक्त सी पढ़ाते थे वो टीचर जुबैर साहब थे, तो वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। उस वक्त ना मेरा कोई आईटी का बैकग्राउंड था, मैंने डीए इलेक्ट्रॉनिक्स में किया हुआ था, अभी नई नई मेरी जॉब हुई हुई थी, अभी मैं मतलब कंप्यूटर सीख रहा था, तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट डेवलप हुआ उसमें। तो मैं जैसे वो करते थे मैं भी सिस्टम पे बैठ के लगा रहता था। अच्छा, C++ मतलब थी आपने जो पहली दफा इंटरेक्शन आपकी हुई वो सी के साथ? जबरदस्त, सी के साथ। तो मीन जो वो देते थे जब लेक्चर होता था मैं उसको बड़े एहतियात से सुनता था और उसकी प्रैक्टिस करता था, और अक्सर लड़कों की असाइनमेंट मैं सॉल्व कर देता था। तो इस तरह से वो थोड़ा सा एक टाइम पीरियड गुजरा,
लकीली मेरे साथ एक कंप्यूटर लैब में ही एक सेपरेट रूम था एडमिनिस्ट्रेशन का, वहाँ पे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं अकरम साहब, तो वो आ गए। वो बहुत नाइस पर्सनैलिटी थी इनकी। उन्होंने जब मेरा इंटरेस्ट देखा तो वो उन्होंने मुझे उस वक्त, मेरी इंग्लिश भी बहुत वीक थी, तो उन्होंने मुझे एक वेबसाइट बताई urdupages.com की, इससे जाके तुम बेसिक चीज़ों को ठीक है पढ़ा करो। तो मैं वहाँ पे जाके तो मैं फिर पढ़ना शुरू किया, तो फिर आईटी में मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा डेवलप हो गया। फिर उनके साथ रहते हुए मेरा प्रोग्रामिंग की तरफ इंटरेस्ट हो गया, लेकिन जॉब, मेरी जो जॉब नेचर थी वो नेटवर्क की फील्ड, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की थी। ठीक है, तो फिर इसी तरह से फ्लो चलता रहा, लेकिन बाद में थोड़ा सा मुझे रियलाइज हुआ कि भाई मैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में हूँ, तो मेरा ज़्यादा जो है फोकस उसी पे रहा, लेकिन जहन में किसी कोने में मेरा इंटरेस्ट अभी भी डेवलपमेंट में ही था। ठीक है, तो खैर मेरा वो डिग्री जब सेवन सेमेस्टर में पहुंची, तो अब मुझे चूज करना था कि मैंने किस फील्ड में जाना है। तो उस वक्त फिर जब मैंने देखा कि मुझे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहिए या प्रोग्रामिंग में, तो इंटरेस्ट मेरा प्रोग्रामिंग में ही था ज़्यादा, मैं फिर मैंने स्पेशलाइजेशन प्रोग्रामिंग रख ली। लेकिन इस दौरान बीच में मैं कभी कभी कोई ना कोई ऐसा, लेकिन मैं मतलब डायनामिक किस्म का था, मैंने मतलब एक चीज़ पे रुके नहीं आप, फोटोशॉप भी सीखी कंपनी के, जो ज़ेविस्ट के कुछ फ्लायर्स थे या हेडर्स हुआ करते थे वो मैंने बनाए, फिर मैक्रोमीडिया फ्लैश हुआ करता था मैंने वो सीखा उसी urdupages.com से जाके। ठीक है, और इस तरह से डिफरेंट टूल्स में साथ साथ सीखता रहा। मैं टोटली जो है इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड से मैं आईटी में शिफ्ट हो गया। तो फिर जब सेवन सेमेस्टर था, तो अब मुझे चूज़ करना था कि मैंने किस में जाना है, तो फिर मेरा इंटरेस्ट प्रोग्रामिंग में ही ज़्यादा था, तो मैंने, और एक दूसरी रीज़न थी उस वक्त फाइनेंशियल्स की, मैं अपनी स्टडी खुद सपोर्ट करता था जॉब वगैरह करके, तो मैंने उस वक्त देखा कि मेरे साथ के जो लड़के हैं जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जा रहे हैं, वो CCNA की प्रिपरेशन कर रहा है, CCNP की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और अच्छी खासी उनकी फ़ीस हुआ करती थी, तो मैं वो अफोर्ड नहीं कर सकता था, बड़ी मुश्किल से यूनिवर्सिटी की फ़ी पे करता रहा हूँ। तो फिर मैंने एक ये रीज़न भी थी उस वक्त कि मैं जो है वो प्रोग्रामिंग की फील्ड मेरे लिए ज़्यादा सूटेबल है, कि एक तो इंटरेस्ट भी है और दूसरा इसमें मुझे एफर्ट करनी है बजाय इसके कि मुझे फाइनेंशियल्स भी चाहिए। बस फिर मैं इस फील्ड में एंटर हो गया, और मुझे फाइनल ईयर, जो मुझे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था, फाइनल प्रोजेक्ट था वो मुझे मिला उस वक्त 2010 की बात है, फेसबुक का क्लोन बनाना था, मैंने सोशल नेटवर्क साइट बनानी थी मैंने। ठीक ठीक, और उस वक्त मुझे जो टीचर ने सजेस्ट किया था PHP में बनानी है, और PHP मुझे बिल्कुल भी नहीं आती थी, इंटरनेट मेरे पास नहीं था, और पता है उसको, और ये जो एक ख़ास टाइम था उस वक्त मैं ज़ेविस्ट भी छोड़ चुका हुआ था और टेन काइंड ऑफ जॉबलेस था, तो मैं फिर इस तरह से काम करता कि मैं मॉर्निंग में बैठता जहाँ पे मैं फंस जाता, तो नेट कैफ़े में जाता, वहाँ से गूगल करता और जो मुझे पेजेस मिलते हैं HTML पेजेस को डाउनलोड करता। ठीक है, मतलब ये ऑफलाइन ऑफलाइन अपने लिए मटेरियल तैयार करता उस नेट कैफे वालों से USB में डलवाता, घर ला के उसको पढ़ता समझता, और इस तरह से इसको मैंने, लेकिन उस एप्लीकेशन में मैंने जितने भी फीचर बनाए उसमें एक एक लाइन ऑफ कोड जो था वो मैंने खुद लिखा था, कहीं से कुछ कॉपी नहीं किया हुआ था, ना किसी से हेल्प ली हुई थी, कोई उस वक्त ऐसा कोई था नहीं कि जो मुझे PHP में हेल्प कर सकता। तो खैर इस तरह से वो मैंने कुछ 4-5 महीने डेडिकेशन के साथ काम करके मैंने तकरीबन 1.5 महीने में तो मैंने सिर्फ लॉगिन का पेज बनाया था। अच्छा, शुरू में मतलब इतना ज़्यादा टाइम लगा? इतना ज़्यादा टाइम लगा समझने में चीज़ों को, PHP को समझने में, इन चीज़ों को समझने में, 1.5 महीने में सिर्फ मैंने लॉगिन का पेज बनाया। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब ये बना तो उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली कि भाई नहीं मैं कर लूँगा आगे। फिर अगले तकरीबन 2.5 महीनों में मैंने फेसबुक के जितने भी उस वक्त के बेसिक फीचर थे, लाइक अपनी वॉल थी, फ्रेंड्स की वॉल थी, फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट, मैसेजेस, म्यूचुअल फ्रेंड्स, और पोस्ट शेयर करना, मैसेजेस शेयर करना, ये सारे जितने भी फीचर थे ये मैंने बना लिए थे और ख़ुद से डेवलप किए थे सारे। तो उसमें फिर मुझे काफ़ी अप्रिसिएशन भी मिली थी टीचर की तरफ से, उसकी बेस पे फिर मेरी फर्स्ट जॉब भी हुई थी उसी कोड की बेस पे। ज़बरदस्त। तो अच्छा, इसमें फिर आपने सिंपल PHP में काम इसमें किया था या AJAX बेस्ड किया था?
नहीं, उस वक्त हर चीज मैंने पीएचपी में की थी, मतलब एजेक्स मुझे बिल्कुल भी नहीं उस वक्त आइडिया था एजेक्स का, तो जो भी किया था मैंने जावास्क्रिप्ट में कुछ वेरिएशन के अलावा बाकी सारा कुछ पीएचपी में ही था। पेज लोड होता था, दोबारा से रेंडर होता था और शो होता था। अच्छा सर, तो आपने जिस तरह बताया है कि 2005 में आपको फर्स्ट टाइम लैंग्वेज के साथ सामना आपका हुआ जी 2005 में, फिर आपने जी प्रोफेशनली इसमें जो काम शुरू किया वो कौन से साल से शुरू किया? जो मैंने प्रॉपर डेवलपमेंट स्टार्ट की थी वो मैंने फाइनल ईयर में आके, जब मेरा लास्ट सेमेस्टर था 2012 में, नहीं 2011 के शुरू में, 2010 के आखिर में मैंने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। और फिर जैसे ही मेरी अभी मेरा एग्ज़ाम पूरे नहीं हुए थे तो मैंने इंटरव्यू दिया था फ्रिस्कोन वेब सॉल्यूशंस में, तो फिर जैसे ही मेरा लास्ट पेपर जिस दिन मेरा हुआ मैंने उनको अप्रोच किया कि मैंने आपको इंटरव्यू दिया था, तो उन्होंने मुझे मतलब बुला लिया फिर। अच्छा, यानी कि ये लगभग 5 साल का 6 साल का पीरियड बन जाता है, ये 2005 से 2011 में आप कह रहे हैं ना स्टार्ट की? जी बिल्कुल। अच्छा सर, ये बताएं कि इसमें तो यारी बात है कि आपके वो शुरू में तो सिर्फ उसको लैंग्वेज के साथ वास्ता पड़ा, आपने सोचा यार ये इंटरेस्टिंग है इसको देखता हूँ, फिर उसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर किया, आपने कहा यार ये और मज़े की है चीज़ है, फिर आपको समझ आनी शुरू हुई कि यार मेरा माइंड सेट ऐसा ही है, मतलब ये मेरे बिल्कुल काम की चीज़ है, फिर आपने अपनी मतलब वो स्विच किया, आप जिस तरह कह रहे हैं चूज़ किया प्रोग्रामिंग की तरफ आप आ गए। जी जी, तो मैंने तकरीबन 2005 से ऑनवर्ड जो है ना 2010 तक मैंने सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब की थी। 2008 तक जेबिस्ट में था, फिर एक कमिंस पावर जनरेशन के नाम से एक कंपनी थी उसमें गया, उसमें भी एज आईटी कोऑर्डिनेटर, और वहाँ पे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन ही थी, इनका छोटा सा नेटवर्क था उसको मैनेज करना था। फिर उसके बाद जब मैं इस फील्ड में स्विच हुआ था और मैंने जो है वो मैंने उस वक्त फिर जो है वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब छोड़ के फिर मैं इंटर्नशिप में आया था। ठीक है, और मैंने इंटर्नशिप स्टार्ट की थी लेकिन उनके पास कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह नहीं थे, तो वो मेरा जो है 2 महीने का टाइम था वो मेरा काइंड ऑफ वेस्ट ही हुआ है, क्योंकि वहाँ पे लर्निंग एनवायरनमेंट भी कोई नहीं था, तो कोई प्रोजेक्ट्स भी नहीं थे उनके पास, तो खास मेरी वहाँ पर कुछ लर्निंग नहीं हुई। फिर वो जब इंटर्नशिप ख़त्म होगी उसके बाद फिर मैं जॉबलेस रहा, तो फिर बीच में फिर ये फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आ गया, फिर मैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर ही काम करता रहा 4-5 महीने। तो फिर जैसे ही मेरे एग्ज़ाम्स कंप्लीट हुए तो उसके फौरन बाद मुझे फ्रिस्कोन में मेरी जो है वो जॉब हो गई थी। ठीक ठीक, ये कौन से साल की बात है? ये 2011 के स्टार्ट में। अच्छा, और मेरी फिर आपसे जो मुलाकात हुई थी वो गलबन 2013-14 में शायद हुई थी। जी बिल्कुल, 2013 में हम साल एक जो है वो आईएट वाले ऑफिस में थे, बाद में हम शाबान मूव हुए थे तो आप उधर आए थे हमारे पास। जी शाबान सरसीद। अच्छा सर, सवाल मैं एक पूछना चाहता हूँ कि आप जिस तरह बता रहे हैं ना कि पहली दफ़ा आपका लैंग्वेज के साथ सामना हुआ, फिर आपने डिसाइड किया मैंने यही करना है, लगभग ये 5-6 साल का टाइम बनता है। सवाल मेरा ये है कि अगर आपको शुरू में ही अगर आपने ये डिसाइड किया होता कि मैंने ये प्रोग्रामिंग करनी है, तो फिर आप क्या समझते हैं कितने साल आपको लगते हैं इसमें अपने आप को सही प्रोफेशनली काम करने के लिए तैयार, जिस तरह बंदा हो जाता है ना उसके लिए कितना टाइम लगता है? 1-2 साल लगते हैं या ज़्यादा लगते हैं या कम लगते हैं? नहीं, ये प्रोग्रामिंग की फील्ड ऐसी है कि इसमें आपको पहले 2 महीनों में पता चल जाता है कि आपने क्या करना है, ठीक है, आप अब इसमें सर्वाइव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो अब लाइक उस वो मुझे एक इंटरेस्ट था, और बाय नेचर मैं ऐसा हूँ कि मैं कोई भी काम किसी में इंटरेस्ट लेता हूँ वो किसी भी किस्म का काम है, मैंने टेक्निकल काम भी किया है, मैंने मजदूरियाँ भी की हैं, मैंने कंस्ट्रक्शन के काम में हर काम किया है, मैंने अपने घर में बिजली का काम भी किया है, मैंने अपने घर में लकड़ी का काम भी किया है, मतलब जो भी काम मेरे सामने आता है मैं बाय नेचर ऐसा हूँ कि मैं उसमें हाथ डाल देता हूँ, मैं कर लेता हूँ। तो घबराते नहीं है? घबराते नहीं है कभी भी नहीं। तो बाय नेचर मैं ऐसा हूँ कि मैं कोई काम मेरे सर पे आ जाए तो मैं उसको जान छुड़ाने के लिए नहीं करता, मैं उससे कुछ सीखने के लिए एक अच्छे एक्सपीरियंस के लिए करता हूँ। तो वो मुझे इंटरेस्टिंग लगी वो चीज़ उस वक्त प्रोग्रामिंग, उस वक्त मुझे यूँ कह लें कि सिस्टम अभी मैंने नई नई मेरी जॉब हुई थी आईटी में, और मुझे उस वक्त शायद कह लें कि मुझे प्रॉपरली सिस्टम के बेसिक्स
उसका भी नहीं पता था कि रैम क्या होती है और कह लें कि मदरबोर्ड क्या होता है, मैंने शायद सिस्टम को खोल के भी नहीं देखा था, क्योंकि पहले मेरे पास जब सिस्टम था ही नहीं अपने पास कंप्यूटर, मैंने तीन DA किया वो इलेक्ट्रॉनिक्स में था, उसका भी कंप्यूटर के साथ कोई वास्ता नहीं रहा। फिर जब ये जॉब हुई तो ये भी इसी बेस पे हुई थी कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की जो जेबिस्ट में लैब है और कम्युनिकेशन की जो लैब है उसमें उसको आपने मैनेज करना है। लेकिन फिर मेरा ही इंटरेस्ट था कि मैंने उनको बोला कि मैं इधर मेरा काम नहीं होता है तो मुझे आप जो है ना वो साथ में IT की शोबे में भी डाल दें, मैं उनका काम करता रहूँगा, उनका काम चलता रहेगा, मेरी थोड़ी लर्निंग हो जाएगी। तो उन्होंने मुझे साथ में उधर भी डाल दिया था, तो वो एक मेरे लिए बड़ा प्लस पॉइंट था कि मैं लैब में बैठता था। फिर उस वक्त मैंने कंप्यूटर को सीखना स्टार्ट किया था, तो उसी दौरान जो है ये फिर वहाँ पे लैब में लैब लैब हुआ करती थी इनकी, और जो जितनी भी प्रोग्रामिंग की क्लासेस थी वो कंप्यूटर लैब में होती थी और मेरी सिटिंग वहीं पे होती थी, तो वो मैं देखता था। तो आज तक तो मेरा उसमें पहले ही 4-6 महीने में मेरा इंटरेस्ट समझ आ डेवलप गई। हो गया यानी आपने मुफ्त मुफ्त में कोर्स कर लिया वहां पे बैठ के। बस यही समझ गए। वो फिर जो था कि सीख इंस्टॉलेशन हो गई, ये चीज़ें फोटोशॉप वगैरह इतनी सीखी कि मैं जैबिस्ट के कुछ मेरे साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बैठते थे, उन्होंने मुझे ये टास्क दे दिया, ये बटन बना दो, ये चीज़ बना दो। फिर उस वक्त एक ट्रेंड था कि एनिमेशन बनाते थे इसमें मैक्रोमीडिया फ्लैश में, फ्लैश में बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे कहा कि इस तरह का मुझे एक हेडर चाहिए जो मैक्रोमीडिया फ्लैश में हो, ये उसकी डायमेंशन होंगी और अगर उसमें कोई एनिमेशन वगैरह हो। तो मैंने फिर डिफरेंट उसकी जो FLA फाइल्स होती थी वो उठा के उनकी एनिमेशन को समझ के उनकी एनिमेशन एक की एनिमेशन कॉपी करके दूसरे में डाली, इस तरह से कर करा के मैं उसको समझ के, और उसको कुछ समझ आई कुछ नहीं आई, कुछ एनिमेशन उठा के डाल दी और इस तरह के हेडर्स और इस तरह की जो है वो इमेजेस वगैरह बना के दी उनको। तो इस तरह उस तरह से भी मेरी जो है वो लर्निंग वो डायनामिकली डिफरेंट पोर्शन से मेरी लर्निंग होती रही। फिर फुली तौर पे जो है वो मेरा इंटरेस्ट IT में आ गया, तो मैंने फिर BS में एडमिशन ले लिया कंप्यूटर साइंस में। पहले साल मैंने अप्लाई किया था ये आपने ज़ेबिस से नहीं किया है BS जो आपने किया है, नहीं मैंने BS किया था ओपन यूनिवर्सिटी से। तो ज़ेबिस में भी आपने कुछ किया नहीं है ज़ेबिस? जैबिस में मैं जॉब करता था, वहाँ पे ये था कि जब आपके 3 साल हो जाए जॉब करते हुए तो तब आपकी एजुकेशन फ्री हो जाती थी। लेकिन बस 3 साल जब मेरे पूरे हुए, मेरी एजुकेशन जब वहाँ पे फ्री हुई तो कुछ सिनेरियोज ऐसे बन गए कि बस मैंने वहाँ से जॉब छोड़ दी। मुझे सारों ने समझाया कि यार लगे रहो और तुम्हारी एजुकेशन फ्री है ये वो, पर वो एक अलग स्टोरी है। तो खैर मैंने वहाँ से उस वक्त जॉब छोड़ दी थी, और उससे पहले ही मैंने ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया हुआ था ये सोच के कि जब मेरी यहाँ पे एजुकेशन फ्री होगी तो मैं जब कोर्स माइग्रेट करूँगा तो मुझे सारे कोर्स दोबारा से नहीं करने पड़ेंगे, तो इस तरह से मेरा कुछ टाइम बच जाएगा। लेकिन बाद में जब वो कुछ सिनेरियो ऐसा बन गया मुझे वो जॉब छोड़नी पड़ी, तो फिर मैंने ओपन यूनिवर्सिटी से ही कंटिन्यू करते हुए अपनी स्टडी की थी पूरी। अच्छा सर, ये आपका मैं वो देख रहा हूँ लोगों के ऊपर लिखा हुआ है ये पाथ स्मार्टफोन्स डॉट पीके। जी ये वेबसाइट बनाई थी लेकिन ये फिर किसी वजह से ये बंद कर अच्छा अभी चल रही है या नहीं चल रही? दी। नहीं अभी नहीं चल रही है, ये कुछ टाइम पहले जो है आप कह रहे हैं कि 15-20 दिन महीना पहले जो है मैं इसको डाउन कर दिया था। अच्छा, मेंटेनेंस का थोड़ा इशू था, वो मेरी वाइफ है वो इसको मेंटेन करती थी, तो अच्छा वो भी प्रोग्रामिंग वगैरह करती हैं या? नहीं वो बेसिकली कह लें कि काइंड ऑफ अनएजुकेटेड थी, लेकिन मेरे साथ रह के इतनी हॉबी थी कि इंग्लिश पढ़ लेती है अच्छा मैनेज ये कर और लेती हैं कंप्यूटर IT कंप्यूटर रिलेटेड वगैरह। चीज़ें मैनेज कर लेती हैं वो। हाँ मतलब अब काफ़ी हद तक उसने अपने आप को इम्प्रूव कर लिया हुआ है, कंप्यूटर वगैरह ये चला लेती थी, मैं उसको चीज़ें बताई हुई थी, लाइक उसने ये स्पेसिफिकेशंस वगैरह गैदर करनी होती थी डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर से जाके, तो वो सारा कुछ करके काफ़ी मतलब तकरीबन 1.5 साल इसको मैनेज किया है। बस फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मेरी छोटी बेटी जब उसकी बर्थ हुई उसके बाद फिर वो उसकी तवज्जो थोड़ी उस तरफ होगी, तो मैंने फिर इसको डाउन ही कर दिया। सर मैं समझता हूँ बड़ी आपकी अचीवमेंट है, मैंने तो अपनी वाइफ को कोशिश की है लेकिन वो उन्होंने तो हैंड्स अप हो गए, वो कहती है नहीं भाई मैंने इन चीज़ों में नहीं करना, मैंने अगर ये चीज़ें सीख ली तो आप सारे काम मेरे से करवाएंगे।
नहीं ऐसा नहीं, वो इंटरेस्ट बहुत लेती है वो बस, लेकिन तो जब रेस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है घर की तो भी थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है, वैसे ये है हैरानगी की तो थोड़ी सी बात है, क्योंकि खवातीन का मैंने देखा है ज़्यादा इंटरेस्ट ड्रामों की तरफ और इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा होता है ना, खाने पकाने की रेसिपीज आती हैं, या वो आजकल तो ऑनलाइन वो आंटीज होती हैं वो अपना स्टॉल खोल लेती हैं, तो हाँ ये भी है। एनी बस वो कुछ उसका इंटरेस्ट इस तरह से था कि मतलब मैंने एक बात की ना कि वो अनएजुकेटेड है, अनएजुकेटेड से मुराद ये है कि वो उसको लिखना नहीं आता, अच्छा वो मदरसे में थी और वहाँ भी वहाँ पे ही पढ़ती थी और वहाँ का जो कल्चर था जो जिस इलाके की वो है तो वहाँ पे एजुकेशन पे इतना तवज्जो नहीं थी, तो बस वो काइंड ऑफ अनएजुकेटेड थी, लेकिन मतलब रोमन उर्दू के मैसेज वो टाइप कर लेती है, पढ़ लेती है उर्दू के मैसेज, पढ़ लेती है इंग्लिश भी, अब इतनी पढ़ लेती है उसमें से हो सकता है उसको 20% उसका मतलब समझ आता है या 10% समझ आता है या 30% समझ आता है, इंग्लिश उसके सामने से गुजरती है वो पढ़ लेती है, घर के जो छोटे बड़ी छोटे बड़ी बात फेलो है होते हैं नदीम ये भाई, वो। जिस तरह आप बता रहे हैं सूरत हाल बड़ी बात है, और मैं मतलब उनको भी बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ, बड़ी बात है उनकी हिम्मत है, उन्होंने मतलब उससे आगे लर्निंग की है सीखा है, फिर फैमिलीज के साथ आगे इसको सीखने वाला काम और मुश्किल हो जाता है, बाल बच्चेदार जब हो जाए ना बंदा तो उस वक्त ये चीज़ और मुश्किल हो जाती है, लेकिन उन्होंने फिर भी उसको मैनेज किया है। अभी अभी मुझे जो हमारा मेरा जो हमारा जो सर्कल है हमारे जो रिलेटिव हैं उनमें जो जो उसको करीब से जानते हैं वो जो है वो मानते ही नहीं, जब कोई मैसेज या कोई इस तरह से वो चल रहा होता है ना कि यकीन नहीं आ रहा होता कि ये वही है कि इसने मतलब इतना इम्प्रूव किया अपने आप को। अभी भी उसके साथ अभी ये है कि अब बेटी मेरी माशाल्लाह से बड़ी हो गई है, हो सकता है नेक्स्ट ईयर से वो स्कूल में एडमिट हो जाएगी, तो जब वो चली जाएगी तो फिर काफ़ी सारा रूम खाली हो जाएगा उसके लिए दोबारा से लर्निंग स्टार्ट करने जबरदस्त ही जबरदस्त। तो बच्चों को भी कोई है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का कोई दिलचस्पी, या वो सिर्फ इस्तेमाल किया था क्या, जिस तरह कार्टून बच्चे मोबाइल पे कंप्यूटर पे देख लेते हैं बस। का। नहीं मेरे बेटे को खास तौर पे जो है वो प्रोग्रामिंग स्पेसिफिक का इतना इंटरेस्ट नहीं है, उसको आर्मी आर्मी ज्वाइन करने का शौक है, वो उसकी मोटिवेशन जो है वो उस साइड पे है, वो करता है मतलब एक्शन थ्रिल, मेरे साथ 18-18 मतलब 10-10 घंटे की हाइक करेगा और बिल्कुल नहीं थकेगा, और इस तरह वो उसका जो है ना माइंड सेट है कि उसने आर्मी ज्वाइन करनी है, तो अच्छा वो माशाल्लाह, अपने आप को उस तरह से प्रिपेयर कर रहा है, कंप्यूटर का नॉलेज है उसको हर लिहाज से जितना उस एक बच्चे को होना चाहिए, कंप्यूटर यूज़ करने का हो गया, गूगल करने का हो गया, एप्लीकेशंस हो गए, सॉफ्टवेयर्स हो गए, ये वो ये चीज़ सारा का नॉलेज है उसको, नदीम भाई लेकिन एक उसके जी अच्छा एक सवाल मेरे जहन में आ गया है। अच्छा एक तो मैंने देखा है बाद लोगों में करंट होता है इस चीज़ का ना, प्रोग्रामिंग का, या उसकी तरफ एक उनका रुझान होता है, वो इसमें बड़ी तेज़ी से वो सीखते हैं, यानी उनको कोई ना भी कहे ना तो वो खुद से रातों रातों जाके इस पे काम करेंगे, सर खपाते रहेंगे कोड में, ये क्यों नहीं हो रहा, इसमें वैल्यूज़ कैसे नहीं आ रही, यानी उनकी वो बिल्ड इन मैं समझता हूँ होती है उनकी स्किल, कुछ ये कह लेंगे ये गॉड गिफ्ट है, ये हर किसी में नहीं होती है। मैं एक जानता हूँ, मेरा एक दोस्त है, मेरा तो खैर दोस्त नहीं है, मेरे बड़े भाई के दोस्त है लेकिन मेरी उनके साथ बड़ी अच्छी गपशप है, तो उनका बेटा है वो अच्छा अभी 9th में है, तो उसको ये IT में का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है उसने मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की हुई है, उसने मतलब मैं अक्सर उसके पास बैठता हूँ तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ उसकी स्किल्स को देख के, अच्छा माशाल्लाह और उसकी सर्च ऐसी है कि वो मुझे ऐसे ऐसे टूल बताता है कभी कि मैं हैरान रह जाता हूँ कि भाई ये टूल्स मैंने भी आज तक नहीं देखे हैं, ना प्रोफेशनल लाइफ में ना वैसे यूज़ करते हुए, और वो उन ना सिर्फ उन टूल्स के बारे में बता रहा होता है उनको यूज़ करके भी बता रहा होता है, ठीक है तो ये जो चीज़ें होती हैं ये बहुत कम लोगों में होती हैं, ये काइंड ऑफ कह लें कि गॉड गिफ्टेड होती हैं कि जिस तरह की आप बात कर रहे हैं कि वो, और उसका उसकी डेडिकेशन ऐसी है कि वो कहता है उसका जो फादर है वो कहते हैं कि इसको अगर कंप्यूटर दे दें, इंटरनेट दे दें और एक
चेयर दे देना। अच्छा तो इसने खाने और नमाज के अलावा उस जगह से हिलना नहीं है, ठीक है। और एक चीज के पीछे पड़ जाता है तो मतलब ऐसा पड़ जाता है कि छोड़ता नहीं है उसको, और लर्निंग तभी होती है। अच्छा मैं जो सवाल पूछना चाह रहा था ना कि जिनके अंदर ये करंट होता है ना, उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती सीखने के लिए, क्योंकि वो खुद से ही उस चीज के पीछे लगे रहते हैं, वो उनके अंदर वो जैसे होता है ना एक कि वो जब तक उसको हल नहीं करेंगे तब तक उनकी आराम नहीं आएगा। लेकिन मैं ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि जो बंदे इस फील्ड के साथ इतना उनका इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा करंट नहीं है, मतलब जनरल इंटरेस्ट है कि यार अच्छा है यार आईटी में मैं आ जाऊँ तो इसमें फ्रीलांसिंग लोग कर रहे हैं, बड़े पैसे कमा रहे हैं, तो उनको आप क्या कहते हैं, वो कैसे अपने अंदर ये मतलब चीज़ बिल्ड करें या इसको इम्प्रूव करें अपनी, ये कैसे कर सकते हैं? कुछ जहन में आपकी चीज़ है ऐसी? इसके ऊपर मैं तो ये कहूँगा कि अगर तो आप जो है वो किसी तरह से इसको अडॉप्ट कर सकते हैं इस नेचर को कि आप एक काम कर रहे हैं और उसमें आप फंस जाते हैं और आप अगर उकता गए हैं तो कोशिश ये करें कि थोड़ी देर के लिए उठ जाएं, ज़रा से चक्कर लगाएं, घूम फिर के वापस आएं, फिर उसके ऊपर लग जाएं। अगर आप कंटिन्यूसली घंटों तक बैठ के उसको सॉल्व नहीं कर सकते तो थोड़ा थोड़ा टाइम दें, इससे ये है कि आपका स्टेमिना थोड़ा सा बढ़ जाएगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, और मे बी वो थोड़ा फ्रेश माइंड से जब आप देखेंगे तो वो हो सकता है वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, और जब जब प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाती है ना तब आपको वो काम अच्छा लगना शुरू हो जाता है, ठीक है, एक अचीवमेंट का एहसास होता है, अचीवमेंट अचीवमेंट आपकी हो गई है, अब आपको अच्छा लग रहा है कि हाँ मैंने एक अचीवमेंट कर ली है, ये बड़ा मुश्किल काम था ये मैंने अब कर लिया है तो मैं आगे भी इसको लेके चल सकता हूँ। अगर तो इस तरह से कोशिश करें अपने आप को चेंज करने की, तो इस तरह अगर आप समझते हैं कि मैं इसको चेंज नहीं कर सकता और लेकिन मैंने करनी प्रोग्रामिंग ही है, क्योंकि बहुत से लोग हैं वो बहुत पैसा कमा रहे हैं फ्रीलांसिंग करके और इस तरह से, तो फिर मैं उसको ये सजेस्ट करूंगा तो कि अपने साथ टॉर्चर ना करें, मतलब इसमें वो फेल होगा आके, मतलब वो आज नहीं तो कल उन्होंने किसी न किसी जगह पे आके फ्रस्ट्रेट हो जाना है और फिर इसको छोड़ देना, तो ठीक है। अगर आप अपने आप को आप वैल्यूएशन करें कि ये काम कर सकता हूं कि नहीं, सबसे पहले देखें आपकी मैथमेटिक्स की स्किल्स कैसी है, मैथमेटिक्स आपका कैसा रहा है थ्रू आउट अपने कोर्स में, देखें कि आप मैथमेटिक्स में कैसे थे, आप इंटीग्रेशन वगैरह में कैसे थे, जो ये मैथमेटिक्स के जितने भी बाकी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अगर आप बैचलर बीएस आईटी आपका बैकग्राउंड है तो अगर आप मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे हैं, ठीक है, फिर तो आप इस फील्ड में आपके लिए रूम है, ठीक है, बिल्कुल जेजे आ जाएं। हाँ, फिर अगर आप ये समझते हैं कि नहीं मेरा मैथमेटिक्स अच्छा नहीं था, आपने स्टैट्स पढ़ी है तो स्टैट्स आपकी अच्छी नहीं थी लेकिन आपने करनी प्रोग्रामिंग है तो है। मैं समझता हूँ कि थोड़ा, लेकिन अगर मैथमेटिक्स को अगर आप एक साइड पे छोड़ दें, आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग कि आप टेक्निकल माइंड के हैं, सपोज आपके सामने एक ऐसा सिनेरियो आ जाता है कि आप कोई काम कर रहे हैं आपके पास कोई टूल अवेलेबल नहीं है, ठीक है, और आप क्या करते हैं जो देसी जुगाड़ करके कोई टूल बना के और वो काम निकाल लेते हैं, तो आप काइंड ऑफ टेक्निकल माइंड के हैं, ठीक है, कि आप फर्क को प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप मैथमेटिक्स दो मैथमेटिक्स में आप अच्छे नहीं है, उसकी एक रीजन ये भी हो सकता है कि आपका मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट हो ही ना, ठीक है तो लेकिन अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स आप में हैं, आप इस तरह के जुगाड़ी काम कर सकते हैं फिर भी आपके आप इस फील्ड में सर्वाइव कर सकते हैं। अच्छा एक सवाल नदीम भाई, एक और बड़ा जबरदस्त सवाल मेरे जहन में है, देखिए हमारे बहुत से लोग अच्छे काम कर रहे हैं यानी हलाल की रोजी कमा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ये चोरी चकारी डाके इन चीज़ों में पड़ जाते हैं, तो उनमें एक चीज़ बड़ी ख़ास होती है कि उनकी प्लानिंग की स्किल बहुत ज़बरदस्त होती है, तो मुझे ये बताएं कि जिनकी प्लानिंग इस तरह ऑर्गेनाइज कर लेते हैं चीज़ें, वो प्रोग्रामिंग में भी अच्छे होंगे, क्या कहते हैं आप? कह सकते हैं, लेकिन ये है कि अल्लाह ने इंसान को ऐसा बनाया है ना
जब इंसान का एक चीज में इंटरेस्ट है ना, तो उसमें वो इंटरेस्ट लेके काम करता है या नहीं भी लेके करता, तो मतलब डेडिकेशन से काम करे या ना करे, लेकिन उसमें उसमें इंटरेस्ट है। उसने एक टाइम दिया हुआ है उसको, टाइम टू टाइम कभी ना कभी उसने उसके ऊपर टाइम स्पेंड किया हुआ है, तो उसकी आहिस्ता आहिस्ता से वो स्किल्स डेवलप हो चुकी होती हैं। ठीक है। तो वो जो उसकी वो स्किल्स हैं, वो हो सकता है सिर्फ उसी एक डायरेक्शन में ही होंगी। और ये भी हो सकता है उसको तो पता पता ना हो कि उसके अंदर प्रोग्रामिंग की स्किल है, लेकिन वो चीजें टेक्निकली वो हैंडल कर लेता है। मतलब डिपेंड करता है कि जब वो इस फील्ड में आएगा और कुछ करेगा, लेकिन ये है कि वो एक टोटली कह लेंगे आउट ऑफ स्कोप टाइप की चीज है ये जो आपने बात की। इसके ऊपर मैं कुछ अपने कमेंट्स उस तरह से नहीं दे सकता कि एक इसमें कोई शक नहीं है कि वो जाहिर है जो कुछ भी कर रहा है किसी प्लानिंग के साथ कर रहा है जो भी है, लेकिन आजकल तो बेरोजगारी की वजह से हर बंदा भी जो है वो या उसकी वजह से माहौल की वजह से उधर चला ही जाता है, पकड़े जाते हैं कोई, नहीं पकड़े जाते कोई, क्या होते हैं कोई, बस वो तो उसके ऊपर मैं कुछ खास कह नहीं सकता। नहीं, लेकिन ये है कि उन लोगों को आप ये तजवीज़ नहीं देते हैं कि भाई थोड़ी सी अंग्रेजी सीख लो, थोड़ी सी प्रोग्रामिंग सीख लो, फ्रीलांसिंग करो, घर बैठे पैसे कमाओ, ये दो नंबर तरीके से क्यों पैसे कमा रहे हो, ये नहीं कहते हैं? देखिए डिपेंड करता है कि वो चोर की क्वालिफिकेशन क्या है। अब अगर इंग्लिश की बात करें तो हमारा जिस तरह का एजुकेशन का स्टैंडर्ड है, तो हम 16 साल में भी इंग्लिश नहीं सीख पाते उस तरह से, ठीक सही है। है। तो एक बंदे को अगर हम कहें कि यार पहले तुम इंग्लिश सीखो और उसके बाद तुम प्रोग्रामिंग सीखो, तो उसने तो वैसे ही भाग जाना है, ठीक यानी है। एक दो साल का वो ज़हन में सोच के भाग जाएगा, नहीं यार इतना मैं नहीं कर सकता। तो वो फिर ये है ना कि दूसरी एक और चीज भी होती है कि लाइक अगर हम एक सपोज एक डेवलपर है, वो एक जगह पे 1 लाख रुपए कमा रहा है, ठीक है। उसको अगर आप कहेंगे यार कि आप दूसरी जगह मूव कर लो जहाँ आपको 20,000 मिलेगा, या हो सकता है आप जॉब छोड़ो, आप एक वेब डेवलपर को भाई तुम मोबाइल डेवलपमेंट में आ जाओ ठीक है, और जॉब छोड़ो और इधर इंटर्नशिप करो जिसमें तुम्हें पैसा स्टाइपेंड भी नहीं मिलेगा, ठीक ठीक है, है, या हो सकता है कुछ स्टाइपेंड अमाउंट भी मिल जाए, तो ठीक है, तुम जो है ना वो दोबारा से लर्निंग शुरू करो और तुम मोबाइल डेवलपमेंट करो, तो कभी भी नहीं मुश्किल आएगा। मुश्किल है, सही कह रहे मतलब हैं। बाय नेचर हम लोग जो है ना अपग्रेड होना चाहते हैं, हम अपने से ऊपर वाले को देखते हैं, अपने से नीचे वाले को नहीं देखते। और ना ही जो अगर मेरी सैलरी है बिल फर्ज, तो मैं उसके 20% पे कम पे भी नहीं जाऊंगा, मैं जाना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, वो अगर आना चाहे भी, वो अपने आप को चेंज करना भी चाहे, मतलब वो सेक्रीफाई एक सेक्रीफाइस को करना पड़ेगा फिर। वो मुश्किल है, मतलब जिसने लेकिन एक आसान तरीके से लाखों रुपए कमाए हो, उसको आप मुश्किल हाँ तरीके से थोड़े सही है, से पैसों पे लेके मुश्किल हो, होता तो वो है। बड़ा मुश्किल लेकिन है। मुझे नदीम भाई लगता है कि ये लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग ना प्लानिंग इनकी बहुत अच्छी होती है, सोचते हैं चीज़ों को जिस तरह। देखिए हमारा वेरिएबल्स का कंसेप्ट होता है ना प्रोग्रामिंग में, वेरिएबल हैंडलिंग करनी होती है, वो भी इनडायरेक्ट अपने माइंड में हैंडल कर रहे होते हैं चीज़ें, लूप्स चला रहे होते हैं, कंडीशंस लगा रहे होते हैं कि यार इस टाइम पे ये काम किया तो इधर से मुझे मसला पड़ेगा, ये काम इस वक्त किया तो फिर ठीक है करना। जाए उनके लेकिन प्लान ए और बी और सी हाँ हैं वो एक प्लानर दूसरे। प्लानर होते हैं, तो प्लानिंग जो कर सकता है तो मेरे ख्याल में वो प्रोग्रामिंग भी कर सकता है। डिपेंड करता है, कुछ जी कह जी नहीं बिल्कुल, सकते। बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, नो डाउट। अच्छा नदीम भाई मुझे आप, एक तो आपका ये प्रोजेक्ट नज़र आ रहा है जो आपने किया है, इस तरह के और भी कोई प्रोजेक्ट हैं कि अगर जो हमारे ये प्रोग्राम देख रहे हैं सुन रहे हैं वो आपकी वेबसाइट देख सकें, कोई इस तरह के? प्रोजेक्ट तो नहीं है, जिस तरह से आप एक सोशल वर्क कर रहे हैं, इस तरह से मैंने भी एक किया हुआ है और कोशिश कर रहा हूँ। आप उसका, donors.pk के नाम से मैंने वेबसाइट बनाई हुई है अच्छा जो आप अगर ब्लड लिंक उसका डोनेशन शेयर के कर देते हैं चैट में, अगर लिंक शेयर कर देना, मैं फिर इसको अपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। अगर आप लिंक उसका ओपन इसमें चैट में शेयर कर देना, मैं उसको बल्कि देख भी लेता हूँ। या आप स्क्रीन स्क्रीन अपनी शेयर कर सकते हैं या मुश्किल है? मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, मैं ये चैट में लिंक भी दे देता हूँ आपको, हाँ चैट और में मैं स्क्रीन भी अपनी शेयर करके थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ।
हाँ अगर मतलब अगर आप बेशक यहाँ से इस स्क्रीन पे भी बता सकते हैं क्योंकि यहाँ पे भी आपको स्क्रीन नज़र आ रही है। जी आप ये ओपन करें। अच्छा बल्कि डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए तो फिर ये है कि आप खुद ही करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगी। मैं लेकिन ये लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ ताकि बाद में डिस्क्रिप्शन में। जो लोग जो है ना वो मतलब ब्लड डोनेट कर सकते हैं, ठीक है, ये उनके लिए खास है। और जो कमजोर दिल हजरात हैं वो जो कहते हैं भाई मैंने ब्लड डोनेट कर दिया तो फिर मुझे कौन देगा, तो अच्छा उनके लिए क्या वो इससे मुश्किल दूर है। दूर रहें। अपने अपने सर्कल में शेयर कर दे क्योंकि अच्छा ये सोशल वर्क है। इसके लिए ना मैंने किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन किसी एनजीओ के साथ कोलैबोरेशन की भी है, किसी बंदे के साथ मेरी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। ये मेरा कह लें कि सेल्फ पेड प्रोजेक्ट है और इसके ऊपर मुझसे जो हो सकता है कर रहा हूँ। और इसकी मैंने मोबाइल मोबाइल ऐप भी शायद आपने बनाई है। के अगर आप फुटर में हैं तो आपको उसका एक लिंक मिलेगा। तो अच्छा मुझे ये बताएं ये इस तरह कोई इसमें डिवीजन है सिटी लेवल पे या किस तरह आपने काम किया है? हाँ आप अगर जाए ना ऊपर टॉप पे लिंक है उसका हेडर में जाए वहां पे नीड ब्लड या उसमें जाए आप इस तरह करें ब्लड नीड डोनर पे ब्लड का चले जाए बिल्कुल या टॉप पे एक लिंक है नीड ब्लड का। जी अच्छा रजिस्टर इस पे जाएं तो करके। रजिस्टर कर सकते हैं जी इसमें रजिस्टर करते हैं जब आप रजिस्टर कर रहे होते हैं तो अपना सिटी डिफाइन करते हैं सिटी। कि सिटी सही में सही 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 है, फिर अपना ब्लड ग्रुप वगैरह देते हैं। और फिर ऊपर अगर आप हेडर में देखें डोनर्स की एक टैब है, डोनर्स बिल्कुल का डोनर्स की लिंक है टैब तो है बिल्कुल। जाएं आप तो इसमें फिर आप देख सकते हैं सिटी वाइज और ब्लड ग्रुप वाइज के कौन से डोनर हैं। सही सही अच्छा जबरदस्त। इसमें एक चीज ये है, इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है एक हमारे हम लोगों को आजकल एक जो चीज बहुत ज्यादा अच्छा नदीम भाई माजरत ये मेरे एंड पे अभी कोई मसला आ रहा है क्योंकि इंटरनेट माशाल्लाह से आज कुछ ज़्यादा मसला कह रहा है। पिछले मैंने काफ़ी रिकॉर्डिंग्स करता रहा था तो मैं बड़ा खुश था कि मसला इतना ज़्यादा नहीं है यहाँ पे। ये बड़ी अच्छी बात है लेकिन ये आज इत्तेफाक ऐसा है कि ये दूसरी दफ़ा सेशन जो है वो रुक रहा है। तो नदीम भाई के साथ तो मेरी ये थोड़ी देर के लिए डिसकनेक्शन हो गई है। वापस नेट कनेक्ट होता है तो फिर मैं उनके देखता हूँ। तो बहरहाल इनकी साइट जो है बड़ी अच्छी लग रही है। मैं तो उनसे बल्कि पूछना चाह रहा था कि इन्होंने कैसे डेवलप किया है इसमें कौन से टूल्स यूज़ किए हैं और क्योंकि मेरा ज़्यादा दिलचस्पी ओपन सोर्स के साथ है तो इसका सोर्स कोड भी अवेलेबल है या नहीं है। क्योंकि अगर इन्होंने सोशल वर्क के लिए किया तो फिर तो मेरे ख्याल में इसका सोर्स कोड भी अगर ये शेयर करें तो हर्ज नहीं होगा। लेकिन डिपेंड करता है अब ये किस तरह इन्होंने काम किया है और ये उनकी अपनी चॉइस पे है कि वो इसका सोर्स कोड दिखाना चाहें या शेयर करना चाहें या ना करना चाहें। तो अभी फिर नेट तो अभी आएगा तो फिर उसके बाद ही आगे हम चल सकेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे थे ये इमोजी के हवाले से तो ये बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ है इमोजीज और सोशल मीडिया पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चैटिंग करनी है उस पे कर सकते हैं इस्तेमाल। मैं भी इसमें काफ़ी इस्तेमाल करता हूँ आइकन्स इस तरह के क्योंकि कभी आप अपने बयान नहीं कर सकते तो एक आइकन आपकी वो कैफियत को बयान कर देता है। पहले ये तो लंबी सी लिस्ट है सारे आइकन्स ही हैं। इसकी जगह इन्होंने कोड सा दिए होते तो मतलब इसमें नेम कोड दिए होते तो वो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन ठीक है अभी इस्तेमाल करने का तो तरीका हमने देख लिया है कि सिंपली यहाँ से आपने ये कोड कॉपी करना है जिस तरह यहाँ पे हमने एग्जांपल एक खोली हुई थी पहले। चलें वो शायद हमने बंद कर दी है अभी तो साथ में नेट भी नहीं चल रहा तो ये खुलेगी भी नहीं। तो बहरहाल जिस तरह ये कोड्स हैं ये हमने आपने एंटर करने हैं और ये फिर आपको डिस्प्ले हो जाएगा।
तो ये वाले कोड्स जो हैं ये यहाँ पे आ रहे हैं, ये इधर वैल्यूज़ आ रही हैं, ये आपने कॉपी पेस्ट करनी है वहाँ पे, तो फिर आपको आइकन्स वो नज़र आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे कोई एक आध कोड मैं देखता हूँ, नहीं ये तो दूसरी एग्जांपल है, ये वाला कोड मैं कॉपी करता हूँ जी, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, नहीं बल्कि ये इन चीज़ों के बगैर आएगा। तो ये देख लें, बस यहाँ से कोड कॉपी किया आपने और इसके साथ शुरू में ये एंड साइन और चैनल साइन लिखा और आखिर में ये सेमी कॉलन आपने लिखा। तो ये आप पेस्ट करेंगे तो आपको ये आइकन इस तरह नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो ये जो कोर्स है W3 स्कूल का, ये इस कोर्स को अपडेट करते जा रहे हैं, क्योंकि जब मैंने इसको इनिशियली किया था इस्तेमाल तो ये चीज़ें नहीं थी। तो बड़ी अच्छी बात है, अभी फिर इसका मतलब ये है कि इस कोर्स को गो थ्रू करना मेरे लिए भी एक चैलेंज है, क्योंकि चीज़ें तब्दील हुई हुई हैं जब मैंने की थी उस हिसाब से, लेकिन ये एक अच्छी बात है कि ये इसको अपडेट कर रहे हैं, इस हिसाब से ये अच्छी बात है। और इसमें सेक्शंस ये और डालते जा रहे हैं, बूटस्ट्रैप मसलन शुरू में नहीं थी, बाद में इन्होंने ये शामिल कर दी, अभी पाइथन का भी आ रहा है कोर्स। तो नदीम भाई से जो बात हुई है, मेरे ये सीनियर थे फ्रिस्कॉन कंपनी में, बड़ा ज़बरदस्त इनके साथ अच्छा टाइम गुजरा है, माशाल्लाह बहुत अच्छी इनकी स्किल है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि जो नए लोग इसमें आना चाह रहे हैं, तो अगर तो उनके अंदर करंट है तो फिर तो उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, फिर तो आपको हत्ता कि ये हमारा जो सेशन है इसको भी देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो आपके अंदर एक चीज़ है ना, वो आपको आराम से नहीं बैठने देगी, वो आपको लाजमी डेवलपमेंट साइड पे घुसाएगी। आप हो सकता है कई कई घंटे कंप्यूटर के साथ सर टकराते रहें, कोई कोड है वो नहीं चल रहा है, तो वो एक ऐसी कैफियत है कि वो मजबूर हो जाता है बंदा, और उसको पता भी नहीं लगता कि वो कई कई घंटे गुजार देता है। तो आप के अंदर से करंट अगर है तो फिर तो आप आज़ाद हैं, आपने आखिरकार खुद ही चीज़ें सारी कर लेनी है। तो अगर आप इसको एज ए कैरियर लेना चाह रहे हैं तो भी मुमकिन है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि वही एक चीज़ नहीं है। तो मैं रीट ज्वाइन करता हूँ, बल्कि मैं इस दफ़ा ये कि ब्रेक बीच में रह गई थी तो मैं ब्रेक ले लेता हूँ, क्योंकि उस वक्त बीच में हमारी डायरेक्ट बात शुरू हुई, तो मैंने बीच में कोशिश की निकलने की लेकिन उस तरह निकल नहीं सका, नेट तो अभी आ गया, लेकिन अभी मैं थोड़ी देर के लिए ये पास करता हूँ और फिर इसको दोबारा से ज्वाइन करता हूँ, या मैं पहले अगर देखता हूँ नदीम भाई हैं तो उनको बता के निकल जाऊँ, क्योंकि इस तरह तो शायद वो भी चले गए हैं। चलें सही है, फिर मैं इसको थोड़ी देर के लिए ऑफ ही करता हूँ और मैं अभी रिकॉर्डिंग पास कर देता हूँ, तो फिर मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ और फिर इसका इंशाल्लाह ताला जो आखिरी हिस्सा है उसकी तरफ बात करते हैं, जो मैं मुफ्त जाले बुनना की इस्तलाह इस्तेमाल की है, आपने शायद देखे होगा टेक्स्ट जो आपको आया है या शेयर किया है मैंने, तो उस पर बात करते हैं इंशाल्लाह ताला। अभी के लिए फिर अल्लाह हाफिज़। जी वेलकम बैक, और इंटरनेट भी वापस आ गया है, लेकिन यह है कि अब नदीम भाई को मैंने मैसेज किया है तो देखें, तो साइट का लिंक मैंने अपने पास कॉपी कर लिया है जहाँ पे, तो ये डिस्क्रिप्शन में मैं इंशाल्लाह ताला इसमें शेयर करूँगा साथ में। तो इसमें हमारे साथ एक भाई थे, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी, इस पे पॉइंट ऑफ सेल के हवाले से एक चीज़ डेमोंस्ट्रेट करनी थी, तो मैं चाह रहा था कि ये भी इसमें रिकॉर्डिंग में आ जाए। तो इस पे ये कि मैंने अभी इंस्टॉलेशन इसमें की है, और ये इंस्टॉलेशन मैंने पहले भी प्रोसीजर पिछली सेशन में या उससे पहले रिकॉर्ड किया है,
तो अभी तो ये है कि मैं इसमें सिर्फ उसमें एक हिस्सा उसका जो है पॉइंट ऑफ सेल का उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि वो भाई जो चाह रहे थे ये इसकी इंस्टॉलेशन चले इसमें शायद कोई इश्यू है अभी इसको एक दफा रीस्टार्ट करके मैं देखता हूँ कभी कभी चीज़ें रीस्टार्ट करने से चल पड़ती हैं। इंस्टॉलेशन का प्रोसेस तो मेरे ख्याल है सही तरह से हो गया था लेकिन किसी वजह से अभी ये बूट नहीं कर रहा पूरी तरह नहीं अभी चले जैसे कि वो मैं ट्राई कर रहा था तो दोबारा से वो हो गया। जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। नदीम भाई माजरत नेट जो है उसने एक दो दफ़ा तंग किया है। सही, कोई मसला नहीं। अच्छा, मुझे नहीं पता मैं किधर था, और क्योंकि काफी देर तक पहले खामोशी रही है, तो जी जी उसके बाद असल में फिर ये हो हुआ है कि नेट डिस्कनेक्ट हुआ है तो फिर मुझे याद आया कि मैंने वो ब्रेक लेनी थी उस वक्त लेकिन वो बातें कुछ इस तरह चली कि मैं उसको क्लोज नहीं कर सका उस वक्त। फिर मैंने सोचा गया। चले मैं अभी नेट भी डिस्कनेक्ट हो गया तो ब्रेक बीच में ले लिया नमाज़ पढ़नी थी नमाज़ पढ़ ली है। सही है। तो मैं अभी चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा वो अपनी हाँ, कोई मैं बता रहा था डोनर्स डॉट पीके के ऊपर। तो ये एक ब्लड डोनेशन से रिलेटेड है। अगर कोई ब्लड डोनेट करना चाहता है तो अपने आप को इधर रजिस्टर कर ले। उसका मोबाइल नंबर वगैरह कहीं भी रिवील नहीं होगा किसी ना किसी थर्ड पार्टी सर्विस पे, और ना उसको गैर जरूरी मैसेजेस आएंगे। उसमें सही ये है कि जब वो रजिस्टर होंगे तो हमारे पास उनका बेसिक इंफॉर्मेशन लाइक नेम, ब्लड ग्रुप, सिटी और मोबाइल नंबर ये पड़ा हुआ होगा। तो जब कोई उनके सिटी एरिया में उस ब्लड ग्रुप से रिलेटेड किसी की रिक्वेस्ट आएगी, तो हम रैंडमली 20 लोगों को एसएमएस करते हैं कि आपके सिटी में ये ब्लड ग्रुप, इस ब्लड ग्रुप का ब्लड डोनर चाहिए। तो सही अगर आप ब्लड डोनेट करना चाहते हैं तो इस नंबर पर सिंपली रिप्लाई कर दें। तो अगर आप रिप्लाई कर देते हैं तो फिर ये होगा कि या रिप्लाई कर दें या उसमें एक लिंक होता है, उस लिंक पे जाके वहाँ पे सिंपली आप वो जो भी रिक्वेस्ट होती है उसके ऊपर आ रहा होता है कि मैं डोनेट करना चाहता हूँ। तो जब आप उस बटन पे क्लिक करेंगे तो वो रिक्वेस्ट जो है वो फुलफिल हो जाएगी। लाइक अभी ये है कि ये बी पॉजिटिव इस्लामाबाद में अब्दुल मतीन, इसने कोई डोनेशन नहीं दी। ये आप अगर जाए ना ऊपर, सबसे ऊपर ये ब्लड रिक्वेस्ट में जाए आप, जी सही है जी, तो अब इसकी डिटेल में जाए, ये जो रेड वाले इनमें जाए, डोनेट एंड सेव लाइफ का ये बटन है, इस पर जब आप कोई क्लिक करता है ना, तो ये अच्छा हाँ, इस पर जब क्लिक करेगा तो वो उसमें ये होगा कि अब उस दोनों को एक दूसरे का नंबर एसएमएस हो जाएगा, सही डोनर है। को भी और सीकर को भी। डोनर मतलब आईडी को पहले सुनकर आईडी इसमें बनी हुई होनी चाहिए लॉगिन किया हुआ हो हाँ, आपने निचले रजिस्टर करके ना, ताकि हमारे पास सही आपका मोबाइल नंबर, सिटी और ब्लड ग्रुप और ये इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद हो हमारे डेटाबेस में। तो जब हम करते हैं, जब भी कोई रिक्वेस्ट आती है तो हम डेटाबेस में सर्च करके जो उस सिटी के उस ब्लड ग्रुप के जो डोनर्स होते हैं उनको एक एसएमएस कर देते हैं। तो अच्छा इसमें मैं कुछ डेवलपमेंट के हवाले से पूछना चाह रहा था। जी, अच्छा ये आपने कौन से टूल्स में ये काम किया है ये लेवल में बनी हुई है। और ये एसएमएस के लिए आपने क्या किया है। एसएमएस के लिए एक लोकल सर्विस है वो यूज़ की हुई है, तो वो एपीआई कॉल से उनके सर्वर पे मैसेज पोस्ट होता है और वहाँ से एसएमएस जनरेट होता है। और ये अच्छा एस एम अच्छा एस की कास्ट, और ये मैं पहले भी बता रहा था, शायद वो अब रिकॉर्डिंग में है कि नहीं, कि ये मेरी किसी थर्ड पार्टी सर्विस के साथ, किसी एनजीओ के साथ किसी किस्म की कोई ठीक है एफिलिएशन नहीं है। ये जो प्रोजेक्ट मैं रन कर रहा हूँ ये अपने एक्सपेंस पे कर रहा हूँ। इस पे मैं जितना जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ वो मैं अपने एंड से कर रहा हूँ। मैं ना किसी से एक रुपया लेता हूँ इस चीज़ का, ना किसी एनजीओ के साथ भी एफिलिएशन है कि मैं उनसे कुछ पैसे लेता हूँ एसएमएस के लिए, किसी चीज़ के लिए भी मैं बल्कि किसी से आप अपनी कुछ नहीं पॉकेट से लेता। पैसे लगाते हैं इस पे क्योंकि आपने ये होस्टिंग डोमेन लिया हुआ है
हॉस्टिंग डोमेन ली भी है, पर डेवलपमेंट एक की रुपए भी का एक है एसएमएस, 1 रुपए का एक एसएमएस पड़ता है। जी, वही मैंने कहा और डेवलपमेंट जो जब आपने की है वो काम। अच्छा, इसमें एक मैं पता करना चाह रहा था कि ये क्लोज सोर्स है या ओपन सोर्स है प्रोजेक्ट आपका? सॉरी मैं समझा नहीं, ओपन सोर्स नहीं, और मेरा मतलब है कि अगर कोई इसमें डेवलपमेंट इसमें कुछ और करना चाहे या देखना चाहे ये कैसे काम हुआ हुआ है, तो इसका कोड है अवेलेबल किधर, गिटहब पे या आगे पीछे और किसी साइट पे? नहीं, वो उस तरह का खैर नहीं है, क्योंकि सिर्फ अगर कोड चाहिए तो वो तो प्रॉब्लम नहीं है, मैं दे सकता हूँ। ज़्यादा डेटाबेस नहीं दे सकता, उसमें लोगों जी के जी नहीं, वो नंबर्स तो हैं बिल्कुल भी नहीं देने चाहिए। तो वैसे भी जो ये साइट्स हैं गिटहब वगैरह, वहाँ पे लोग उसकी एम्प्टी डेटाबेस साथ दे देते हैं ना, स्ट्रक्चर यानी कि हो, अगर किसी ने उसको एक्सप्लोर करना है तो वो देख सके, या डेवलपमेंट करनी है। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप इसका सोर्स कोड शेयर करने में कोई इश्यू नहीं है, अगर यानी कुछ तो होते हैं ना, आपने प्रोजेक्ट्स लोगों के लिए काम किया था वो तो आप सोर्स नहीं दे सकते, लेकिन अगर आप इसका शेयर करना चाहें तो ये एक अच्छी मतलब अच्छा काम है। इसमें लोग इसमें और भी काम कर सकते हैं, या अपने वो पर्सनल यूज़ के लिए किसी और साइट पे वो कर सकते हैं, जिस तरह वर्डप्रेस हम यूज़ करते हैं, या और ओपन सोर्स लेकिन टूल्स हैं। ये किसी वर्जन सिस्टम पे अभी नहीं है। और ये टू बी फ्रैंक अगर मैं बताऊं तो जब मैंने ये सर्विस स्टार्ट करने का सोचा था तो वेबसाइट मेरी अभी नहीं बनी थी, लेकिन मैंने मोबाइल एप्लीकेशन पहले बना ली थी। अच्छा, ठीक, ज़बरदस्त। माशाल्लाह से इंटरनेट का मसला आ रहा है, और अब मैं इसको जल्दी से स्विच करता हूँ अपने मोबाइल नेट पे, क्योंकि अभी हम ये क्लोजिंग करना चाह रहे हैं। जी है नदीम भाई। जी, अच्छा, वो नेट फिर मसला कर रहा था, मैं अभी मोबाइल नेट के साथ कनेक्ट हो गया हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि अब ये सेशन मिस ना हो। सही है। तो मैंने लाइक पहले बताया था कि हमें जो है, जब हमारे पास कोई ऑफिस में काम नहीं होता, हमारा क्लाइंट बेस्ड कंपनी है, प्रोजेक्ट बेस्ड नहीं है, तो हम जब हमारे पास जब क्लाइंट होता है तो हम क्लाइंट का काम करते रहते हैं। जब क्लाइंट का काम खत्म हो जाता है, वो चला जाता है, तो हम फ्री हो जाते हैं, फिर ठीक है, हम जो है कोई ना कोई लर्निंग नई चीज सीखने में लग जाते हैं। सही है। तो उस वक्त ये था कि मेरे पास कोई क्लाइंट नहीं था, तो मैंने सोचा कि एक नई स्किल भी आ जाएगी और डोनर्स की मैं मोबाइल ऐप बना लेता हूँ। तो फिर एंगुलर और आयोनिक का यूज़ करते हुए मैंने इसकी मोबाइल ऐप बनाई थी। डेटाबेस मैंने डिज़ाइन करके एपीआई बना के, तो मैंने मोबाइल ऐप, नॉर्मली ये होता है कि एपीआई बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, फिर मोबाइल ऐप बनती है। ठीक है लेकिन मेरी भाई, उस लर्निंग के दौरान जो है वो मोबाइल ऐप कंप्लीट जब हो गई, मैंने उसको लॉन्च कर दिया। तो अब मैंने सोचा अब तो मोबाइल ऐप वेबसाइट तो बहुत ज़रूरी है, तो फिर मैंने वीकेंड में 2 दिनों में ये वेबसाइट खड़ी की थी। तो माशाल्लाह। एपीआई मोस्टली बनी हुई थी मेरे पास फ्रंट एंड पे, ये सारा काम करके लॉगिन वगैरह बना के कुछ किसी और प्रोजेक्ट से पीस ऑफ कोड उठा के तो मैंने ये किया था। तो ये मतलब 2 दिन में मैंने बनाई थी, और उसमें फिर ये था कि मैंने कोई वर्जन सिस्टम नहीं यूज़ किया हुआ था, बस इसको बनाया है और लाइव कर दिया था। जी ठीक है। तो फिर इसमें ये है कि मुझे कुछ तरह से ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला डोनर्स की तरफ से। डेली मुझे रिक्वेस्ट आती हैं, ब्लड रिक्वेस्ट डेली, अगर वेबसाइट पे कोई पोस्ट नहीं करता तो कॉल्स मुझे ज़रूर आती हैं, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 कॉल्स मुझे डेली आती डेली हैं। डेली बेसिस पे? जी, डेली बेसिस पे मुझे ब्लड रिक्वेस्ट की कॉल्स आती हैं। अच्छा, अगर इधर रिक्वेस्ट नहीं आती तो एटलीस्ट मुझे मोबाइल पे लाजमी कॉल्स आती हैं, क्योंकि यहाँ पे वो कांटेक्ट में अगर आप जाएं तो वहाँ पे मैंने वो व्हाट्सएप का नंबर भी दिया हुआ अच्छा, है। यानी कि लोगों को जरूरत है। बहुत ज़रूरत पड़ती है। मैं किसी टाइम पे जो है ना वो शर्मिंदा हो जाता हूँ कि मैं डोनर नहीं मिलते, तो मैं मतलब उनको किस तरह से बताऊँ कि अच्छा भाई नदीम भाई, ये। एक ये ना यहाँ पे इधर मतलब हमारा खैर छोटा सा शहर है अटक शहर, इसमें भी कुछ लोग इस तरह डॉक्टर्स जो हैं वो मिलके इस तरह इस हवाले से काम कर रहे हैं, तो मैं कोशिश करूँगा उनके साथ भी ये शेयर करूँ। यानी आपकी फ्री सर्विस है ना, इसके चार्जेस तो नहीं है ना कुछ भी? तो नहीं, मेरा तरफ से तो कोई चार्जेस नहीं है। लाइक वे मेरा सिर्फ इतना काम है कि डोनर इस पर रजिस्टर हो, सीकर जब इसके ऊपर आए वो अपने आप को मेन रिक्वेस्ट पोस्ट करे, और वो जब उसको मैसेज जाए वो उसके ऊपर लिंक होगा, उस पर क्लिक करके वापस एप्लीकेशन पे आए या इधर सही। आए, और दोनों को एसएमएस में एक दूसरे का मोबाइल नंबर शेयर हो जाएंगे।
सही है इस असिस्ट सर्विस का इतना तो काम नदीम है। भाई, मैं इंशाल्लाह ताला ये कोशिश करता हूँ उनके साथ कनेक्ट करता हूँ। और आप अपने तौर पे भी वैसे जो डॉक्टर इस तरह की एसोसिएशन उन्होंने बनाई होती हैं कुछ ना कुछ, असल तो में उसमें प्रॉब्लम ये है कि मैं जब भी किसी के पास जाता हूँ ना, उसमें वेबसाइट के ऊपर फ्लो आता है हमेशा ब्लड सीकर्स का। ठीक है। जब से डोनर्स कम होने की वजह से सीकर्स अगर आते हैं तो वो मतलब मेन ना, मैं इस वेबसाइट के ऊपर कोई ऐड चला रहा हूँ मेरा, हालांकि गूगल एडसेंस का अकाउंट है जो मैंने वो पार्क स्मार्टफोन्स के लिए बनाया हुआ था और सही चल है। भी रहा था उस पर, तो यानी मैंने इस पर नहीं लगाया हुआ कि भाई मैं उस पैसे कमा नहीं रहा हूँ कि भाई इसके ऊपर सीकर आएंगे तो शायद मुझे उससे भी फायदा हो। ठीक है, मकसद सिर्फ ये है कि इसके ऊपर डोनर्स हों और जब ठीक सीकर है। आए तो उनको कोई ना कोई डोनर मिल जाए, यानी मकसद सीकर ये है। सीकर्स अगर 1,000 आ रहे हैं तो डोनर्स शायद 5 होंगे, 10 होंगे, इस तरह कुछ रेशो है। अब यार लाइक ये देखें, अगर आप ये देखें तो अभी 3 घंटे पहले एक डोनर आया है, ये अगर राइट साइड को रिसेंट डोनर्स में देखें हाँ आप, हाँ 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 ये तो तीन तीन घंटे पहले घंटे है, पहले आया, फिर 5 दिन पहले आया, फिर 1 वीक पहले दो यानी आए हैं, रेगुलर। तो मतलब ये इस तरह से रेशो बहुत कम आती है इसकी। लेकिन जो सीकर आते हैं ना, वो बहुत सारे नॉन टेक्निकल होते हैं, मुझे इसके ऊपर मैंने काम करना है अभी, शायद नेक्स्ट वीक में करूंगा या इस वीक में, इस वीक में मेरी और कुछ इश्यूज ठीक थे है, मैंने, तो इसमें ये है कि मैंने इसको थोड़ा सा मजीद इजी करना है किसी तरह से, रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है ना वो किसी तरह से बहुत इजी करना है नदीम सीकर्स भाई के लिए मैं स्पेशली। वैसे सजेस्ट करूंगा अगर आप इसको गिटहब पे ओपन सोर्स करें और जो कम्युनिटी है डेवलपर की उसको मतलब आपस में मिलके कुछ इस पे एफर्ट हो जाए ना। मैं मुझे तो मसला कोई नहीं है, मेरे मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा कि कोई और भी इसके ऊपर इस तरह से काम गिट गिट करे। गिट हब पे यकीनन आपने जी काम किया होगा। जी मैं ऑफिस के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं मोस्टली गिट हब या गिट बकेट या गिट के थ्रू ही चल रहे होते हैं, ठीक है, तो वो मसला नहीं है। सिर्फ ये है कि डोनर्स आए या कोई इसमें वो कोई एज अ कम्युनिटी मेंबर कोई इसको एक्सटेंड करना चाहे, मुझे कोई इशू नहीं है। नहीं देखिए मेरा नदीम भाई, मकसद ये देखें है कि देखें आपने एक बेहतरीन काम किया है, फी सी बिल्ला किया है, ठीक है, पाकिस्तान में उस हिसाब से एक बंदे आप है, आपने ये किया है मिसाल के तौर पे। हो सकता है 10 बंदे और भी हों जो इस पे काम करना चाहते हों या टाइम देना चाहते हों, मतलब कुछ लोगों में ना करंट होता है, वो कहते हैं यार हम करें कुछ काम इस तरह का। सही है। हाँ तो आप ऐसा है, होता है, जी होते आप, हैं मैं कहता दोस्तों हूँ लोग इसको मिलते इसको हैं। कम्युनिटी प्रोजेक्ट इसको बनाएं और आप इसको सिर्फ पाकिस्तान लेवल पे ना करें, आप इसको अगर ओपन सोर्स करते हैं और कम्युनिटी के तौर पे चलाते हैं तो फिर तो इसको आप इंटरनेशनल जो अटेंशन है वो भी इसमें कैप्चर कर सकते हैं। ऐसा ही है। अब ये है कि इसमें डेली के हिसाब से मुझे ना कॉल, एसएमएस और या व्हाट्सएप आते हैं जिनको ब्लड चाहिए होता है, लेकिन डोनर कम है और मतलब रजिस्टर भी बहुत कम होते हैं। आपको पता है फिर हमारे यहाँ जो एंटरटेनमेंट है उस तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा होता है, इस तरफ वैसे भी ये ब्लड जी डोनेशन जी की तरफ ऐसे ही दौड़ आती है तो घर वाले भी पकड़ लेते हैं, और नहीं नहीं बंदा तू फिर त्याग की होना है, तू बीमार हो जाना है, हो जाना वो हो जाना, जी मीन ऐसे ऐसे ही ऐसा ही होता है। यूट्यूब पे भी है। आप जाए ना, उसमें आप ट्रेंड पे जाके देखें तो पता लग जाता है कि मतलब उस मुल्क के लोगों का रुझान किस तरफ है। ऐसा ही है, तो इस तरफ लोग बहुत कम आते हैं, ठीक है नदीम भाई, और मैं इसको मतलब करता हूँ। ये आइडिया मुझे इसलिए आया था कि मैं और मेरा एक दोस्त है, हम मैंने फर्स्ट टाइम जो है वो ब्लड डोनेट जब किया था वो तकरीबन आज से कोई 18 साल पहले, तो सही है, उसके बाद फिर जो है वो मैं टाइम टू टाइम करता हूँ। बीच में मेरी ऐसी रूटीन हो गई थी कि मैं हर 3 महीने के बाद लाजमी डोनेट कर देता अच्छा था। खुद आप खुद इस तरह करते रहे रेगुलर। असल में मोटिवेशन इसलिए आई है ना कि जब लोगों को जरूरत पड़ती है और जब मैं दे सकता हूँ तो फिर इस तरह से ये एक रिसोर्स है, मैंने थोड़ी सी एफर्ट करनी है, बना लेनी है एक चीज, तो ऑटोमेटेड सिस्टम टाइप की चीज होगी तो हो सकता है मतलब और भी लोग होते हैं और वो विलिंग हो तो उनके लिए भी ये चीज हो सकती है, तो मैं तब से फिर मुझे इंटरेस्ट हुआ इसका और फिर मैंने ये बनाई थी। तो अब ये है कि पिछले कुछ अर्से में तो बहुत कम था रुझान, मतलब वेबसाइट के ऊपर इवन सीकर्स भी बहुत कम आते थे, अब जो है वो इसके ऊपर ब्लड सीकर बहुत ज्यादा आते हैं, तो डेली की ट्रैफिक भी आती है जो सिर्फ आके चले जाते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो एसएमएस करते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं
शायद कुछ ऐसे आते हैं उनको देखना चाहते हैं कि कोई ब्लड डोनर है, उनका कोई नंबर वगैरह मिल जाए तो उनको कॉल करके तो ले लिया जाए को नहीं। लेकिन वो मैंने सिस्टम इसलिए नहीं रखा हुआ है कि अब सही एक बंदा किया है प्राइवेसी तो वो। पहले सामने एक बंदा नजर आ रहा है उसको गुजरावाला में ए बी पॉजिटिव का बंदा चाहिए, तो 10 बंदे आते हैं और 10 बंदे इसको दिन में 10 कॉल्स करेंगे तो वो आगे से फ्रस्ट्रेट होगा ये हो जाएगा कि मैंने ये क्या कर लिया है, तो इसलिए मैंने नंबर रिवील नहीं किया होगा। तो ताकि कोई मतलब एक सोशल वर्क है और सोशल वर्क फिर ऐसा ना हो कि उससे मुसीबत उसके लिए बन जाए। जी बिल्कुल, दूसरों के लिए मुसीबत बन जाए तो ये ऐसा हो कि किसी को नुकसान भी ना हो, फायदा जिसको हो सकता है वो हो, किसी को नुकसान एटलीस्ट ना हो इससे। तो इसलिए ये इस तरह से रखा हुआ था। और मैं फिर अभी जो है अभी मुझे अक्सर शर्मिंदगी होती है, मुझे कॉल्स आती हैं मैसेजेस आते हैं लेकिन डोनर्स ना होने की वजह से जो है वो मैं उनको प्रॉपरली इंटरटेन नहीं कर सकता। तो अभी मेरा प्लान ये है कि इस मंथ से मैंने इसमें एक चीज़ करनी है ये कि इसमें रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस थोड़ा ईजी करके ठीक है फिर मैंने ये फेसबुक मार्केटिंग वगैरह में ना करना है ताकि रजिस्ट्रेशन की तरफ लोग आए सिर्फ डोनर्स के लिए, ताकि के लोग कुछ डोनर्स आए इसके ऊपर। तो वो भी मैं अपने पर्सनली बजट में से मैंने जो है वो पॉकेट से ही लगाने हैं, उसमें भी मैंने किसी से कोई पैसे जैसे नहीं लेने हैं और ना मैं वो पहले जिस तरह मैंने बात की किसी के साथ मेरी कोई एफिलिएशन नहीं है। वो जबरदस्त, इवन आप देख लें अगर कॉन्टेक्ट में आप जाके देखें वहाँ पे मैंने अपना नाम भी नहीं दिया हुआ, सिर्फ मैसेजेस दिए हुए, कहीं भी वेबसाइट पे आपको मेरा नाम नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या कहते हैं इसको, कॉज ये है कि सोशल है ना, मुझे कोई अपनी मार्केटिंग करनी है ना, मैंने किसी के साथ, लेकिन डोनर्स में सबसे एक्टिव आप ही हैं। मैंने कहा डोनर्स में सबसे हाँ, एक्टिव आप, ये देखिए ये देखो मैं यहाँ पे ये डोनेटेड भाई आपका आ रहा है। जब और कोई नहीं मिलता तो फिर अपना टाइम जब ड्यू हुआ होता है फिर खुद जाके दे आते हैं। जज़ाकअल्लाह, बड़ी ज्यादा खुशी साथ है। में साथ में एक कामरान रफीक है, ये भी कभी कभी एक्टिव हो जाता है, मेरा दोस्त है। अच्छा, तो अक्सर दाएं बाएं से नहीं भी, और बहुत सारे इसमें ऐसे हैं बेशुमार ऐसी होंगी कि जो ऐसे हैं कि जो इसके ऊपर रिक्वेस्ट पोस्ट नहीं करते लेकिन वो कहते हैं जी हमें जो है वो अर्जेंट चाहिए, हम बाद में कर देंगे ये वो, फिर हम अपने दोस्तों में सर्कल में शेयर करते हैं, वहाँ से अगर कोई मिल जाता है डोनर तो वो उसको डायरेक्टली हम भेज देते हैं जिनका वेबसाइट के ऊपर जिक्र नहीं होता। मतलब बेशुमार रिक्वेस्ट ऐसे भी इंटरटेन हो जाती है। लेकिन कुछ लोग अगेन मकसद ये है कि कुछ लोग पसंद नहीं है, मकसद कुछ लोग डोनर्स हैं वो पसंद भी नहीं करते कि उनका किधर जिक्र आए ना, वो ऐसे भी है, ऐसे भी है वो, इसलिए बिना वो बस वो फिर मकसद ये है कि लोगों के मसले हल होने चाहिए ना, हमें वेबसाइट को भरना है ना, हमने मार्केटिंग अपनी करनी है ना, हमने सोशल वर्क है। हालांकि इस तरह के लोगों के नाम वो इस्तेमाल करते हैं सोशल का और पीछे बैक पे दूसरा बिजनेस होता है, इस्लामिक कुछ ऐप्स बनी हुई हैं, एड्स आ रहे हैं, वो अपने उससे कमा रहे हैं। हाँ मतलब मेरा ऐसा कोई कोई इंटेंशन नहीं है, इसलिए मुझसे जो हो सकता है मैं अपनी पॉकेट से करता हूँ, जो मेरी कैपेसिटी में मैं जो कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ। बाहर जाते हैं किसी को बात करते हैं वो कहते हैं जी हमारी फ्लान एनजीओ के साथ आप एफिलिएट कर लें ठीक है तो आपको ये देंगे पैसे, तो वो फिर जो है ना वो जब बीच में लालच आ जाती है ना। नहीं फिर एक तो और बात भी होती है नदीम भाई, वो फिर इस तरह के जो सोशल वर्क कर रहे हैं ना बंदे, वो फिर उनको बाउंड भी करते हैं और ये बाउंड होने वाली बात बहुत बुरी है ना। हाँ मतलब बाउंड है वो जैसे भी वो, तो उसकी तरफ तो मैं खैर कभी गया ही नहीं हूँ, जाता भी नहीं हूँ। तो मतलब इस तरह से अगर कुछ डोनर्स हैं या जो आपको आप चैनल देख रहे हैं तो अपने सर्कल में शेयर करें। नहीं नहीं मैं बिल्कुल आपको कनेक्ट करूंगा जो मेरे इधर, तो उससे एक सोशल काज है ठीक है ना, मैंने उनको कुछ देना है ना उन्होंने मुझे कुछ बिल्कुल देना है। मैं समझ गया हूं, प्योर उनकी तरफ से उनकी वजह से कोई डोनर आता है और वो ब्लड डोनेट करता है और किसी की जिंदगी बचती है तो वो भी सवाब कमाएगा बिल्कुल, और हमारे समय भी कुछ ना कुछ आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, मैं इंशाल्लाह इसको कनेक्ट करता हूँ। और बाकी इसके अलावा भी कोई ऐसी साइट है जो आप बता सकें यहाँ पे जो व्यूवर्स हैं वो देखना चाहें, अगर कोई लिंक ऐसा है या साइट ऐसी है? और असल में ये चीज़ ये जो एक्टिव है वो मैंने शेयर कर दी है। अच्छा सही है, मतलब और प्रोजेक्ट्स हैं लेकिन वो उस तरह नहीं है वो, या तो या एक और है वो अभी कंप्लीट नहीं है
वो जब कंप्लीट हुआ तो इंशाल्लाह वो टीचिंग से रिलेटेड है, वो भी अच्छा काइंड ऑफ टैलेंट, वो ओपन सोर्स, ओपन सोर्स तो खैर नहीं, मीन सोशल काज भी नहीं है, यानी मैं कहूँगा कि भाई वो एक सोशल काज है, जो सोशल है वो है, वो काइंड ऑफ हमारे अपनी एक प्रोडक्ट के तौर पे बना रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो वो जब उसमें टीचर्स और स्टूडेंट्स को कनेक्ट करना है, तो वो है। अभी कंप्लीट नहीं है, इसलिए वो इनकम्प्लीट शेयर करना बेहतर भी नहीं है। नहीं नहीं बिल्कुल सही है, वो फर्स्ट इम्प्रेशन ही फिर एक बुरा पड़ता है। तो आखिर में नदीम भाई, आप अगर कुछ और कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन यहाँ पे आए हैं, मतलब जो मुझे देखने वाले हैं, वो ऐसे बंदी हैं जो डिग्री होल्डर्स ज़रूरी नहीं है कि हों, वो इसी तरह आम फील्ड से हैं, और वो जिस तरह पता लगता है जी फ्रीलांसिंग में पैसा है, डेवलपमेंट में पैसा है, डिज़ाइनिंग में पैसा है, वेबसाइट डिज़ाइनिंग आसान है ये सीख लो, या ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख लो, इस तरह के लोग आते हैं, तो उनके लिए कोई आप पैगाम कुछ इस तरह का रिकॉर्ड करना चाहें? हाँ मैं इसके ऊपर ये ज़रूर कहूँगा कि भाई ठीक है फ्रीलांसिंग में बहुत पैसे हैं, लेकिन अल्लाह ने जो हमारा रिस्क हमारे मुकद्दर में लिखा है और जिस तरह से लिखा है वो हमें वैसे ही मिलना है। हमें ये एक हमें ये नहीं देखना चाहिए कि एक बंदा है उसने फ्रीलांसिंग से बहुत पैसे कमा लिए हैं तो मैं भी कमा लूँगा, आपके लिए अल्लाह ने कुछ और बंदोबस्त किया होगा, लेकिन इंटरेस्ट है अगर आपका, आप समझते हैं कि मैं सीख सकता हूँ, ठीक है तो ज़रूर आए, आपके लिए भी अल्लाह ने रिस्क रखा हुआ होगा इसमें, आपको अपना शेयर लेके जाएंगे। लेकिन बात यह है कि अगर दूसरों के कहने या दूसरों के सुनने पे आप इस फील्ड में आते हैं और आप ये इस फील्ड में मतलब सर्वाइव नहीं कर सकते, लेकिन आप ज़बरदस्ती अपने आप को इस फील्ड में डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं। आपको अगर इंटरेस्ट है, आपको ये काम करते हुए मज़ा आता है, अगर मैं एक मूवी का नाम लूंगा इधर, थ्री इडियट्स मूवी थी, उसमें उसने एक बड़े ज़बरदस्त मैसेज दिया था कि काम वो करो कि जिसमें आपको मज़ा आता है, तो तब आप उस काम को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सही। और अगर आप ज़बरदस्ती अपने ऊपर हावी कर लें कि नहीं यार इस चीज़ में पैसे हैं मैं ये करूँगा, एक सेशन अटेंड किया था उसमें जो ट्रेनर था उसने बड़ी अच्छी बात बताई थी कि अगर आपको एक बंदा कहे कि आप एक काम कर रहे हैं, एक काम आपको बिल्कुल नहीं आता है, लेकिन आपको ये कहा जाए कि आपको इसकी 10 लाख रुपए सैलरी मिलेगी, तो आप वो काम करेंगे? तो सारे लोगों ने हाथ उठा दिया, हाँ जी मैं करूँगा। ठीक है, फिर बोल 10 लाख रुपए मिल रहे हैं ना। ठीक है, उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो काम क्या मैं कर सकूंगा या नहीं, उसमें मेरी स्किल्स हैं या नहीं, सब ने हाथ उठा दिया जी हाँ हम करेंगे। अच्छा, फिर उन्होंने एक और बात की कि अब आपको ये 10 लाख रुपए मिल रहे हैं, लेकिन आपका काम ऐसा है कि जिसमें आपकी जान जा सकती है, ठीक है, अब फर्श और आपकी जान जा सकती है, तो आप ये काम करेंगे? सारों ने हाथ नीचे कर लिया। सही है। तो कहने का मतलब ये है कि काम हम वो करें जो जिसके हम कैपेबल हैं, जो हमें अच्छा लगता है, जिसमें हम सरवाइव कर सकते हैं, तब वो काम आपको फायदा भी देगा, नहीं तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तो पैसे कमाने के बहुत से तरीके हैं, बहुत से मेथड्स हैं, अल्लाह की ज़मीन बहुत बड़ी है, बेशक जिधर जिस काम में आपको मज़ा आए, जिस काम में आपको लगे कि हाँ ये काम मैं कर सकता हूँ, वो काम करें। और अगर ये सोचें कि इस काम में बहुत पैसे हैं मैं ये करूँगा, तो वो जो है वो गलत कॉन्सेप्ट है। और हम लोग जो हम स्पेशली पाकिस्तानी इस चीज़ पे मार खा रहे हैं, हम जो भी हैं, जो भी बन रहा है वो अपने प्रोफेशन से खुश है ही नहीं, ठीक है। तो आप अगर अपने प्रोफेशन से जिससे आप पैसे कमा रहे हैं उससे ही खुश नहीं है, इंसाफ नहीं कर सकता मैं, तो फिर आप क्या काम करेंगे? काम भी नहीं करेंगे। काम वो करें जिसमें आपका दिल करे काम करने को। आप अगर 9 to 5 काम कर रहे हैं तो आप घड़ी की तरफ ना देखें, आप अपने काम की तरफ देखें कि भाई घड़ी की तरफ कब टाइम खत्म हो और मैं अपने घर जाऊं, या कब ये टास्क खत्म हो और मैं मेरी जान छूटे, तो उसमें फिर आप जो है वो कभी भी उसका वो फायदा नहीं ले सकते, ना आप अपनी जिंदगी इंजॉय कर सकेंगे, टेंशन में ही रहेंगे कि यार फलां काम फंसा हुआ है, फलां में ये इशू है। तो बेहतर वो है कि आप जरूर आए इस फील्ड में, लेकिन अगर आपको लगे कि आप ये काम कर सकते हैं, तो अगर आपको लगता है कि ये फील्ड आपके लिए मुश्किल होगी, या आए एटलीस्ट ट्राई करें, हो सकता है आप में हिडन टैलेंट हो, आप सर्वाइव कर सकें, ट्राई करें और अपना बेस्ट दें।
अपना बेस्ट देने के बाद भी आपको लगे महीने दो महीने बाद कि आपको पल्ले नहीं पड़ रही है चीज, फिर पीछे हो जाए, फिर छोड़ दें इसको, और फिर भी आप कहेंगे नहीं मैंने करनी है, आप फ्रीलांसिंग की साइड पे चले जाएं, आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा, प्रोजेक्ट आपकी स्किल नहीं है आप कर नहीं सकेंगे, आपको बैड रिव्यूज मिलेंगे, आपका कैरियर वैसे खत्म हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, तो बेहतर ये है कि अपने स्किल्स बनाएं, और अगर आपको लगे कि आपकी स्किल्स हैं इस काबिल कि आप काम कर सकते हैं उसके ऊपर, तो शुरू हो जाएं, आप अपना मुकद्दर है, आप अपना रिस्क लेके जाएंगे, और हो सकता है आप बहुत सौ से बेहतर सर्वाइव कर सकें, लेकिन डिपेंड करता है कि आप उसके कैपेबल हैं कि नहीं, और अपने आप को ज़बरदस्ती इसके ऊपर डाल देना कि नहीं मैंने ये करना ही करना है, मेरा फलां दोस्त है वो उतने पैसे कमा गया है तो मैं क्यों पीछे रह गया हूँ, वो उसका अपना मुकद्दर है, वो उसके नसीब है, उसकी अपनी स्किल्स है, वो अपनी स्किल्स का कमा रहा है। ठीक है नदीम भाई, बहुत तो आप भी की भी कोई ना कोई स्किल होगी। बस मैं वो ये कहना चाह रहा था कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम दिया है। मैं तो को नहीं कर रहा था, मैं समझ रहा था शायद आप ऑनलाइन हुए भी या और कोई दोस्त उनसे भी रिक्वेस्ट की थी तो शायद आधा घंटा मिल जाएगा, तो बड़ी बात है। तो आप क्योंकि प्रोफेशनली काम कर रहे हैं और जो जो बंदा इस तरह काम कर रहा है उसके लिए टाइम निकालना मज़ीद मुश्किल है, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ इसमें इंगेज थोड़े से रहें, क्योंकि ये जो एक कम्युनिटी है ना जो सीखना चाहते हैं करना चाहते हैं स्टक हो जाते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा एक मैं कहता हूँ कि मेरे भी यही कोशिश है कि एक रास्ता थोड़ा सा रहे वो उन लोगों के लिए, भाई जो हम सीनियर्स हैं हमें आता है काम, हम उनको थोड़ा सा कोऑपरेट कर दें, बस इस तरह का मकसद है। आपने देखा होगा वो सब में, एक मिनट समय कॉल आ रही है ना, तो नेट मोबाइल का नेट भी बंद, ले ले बड़ी खुशी होगी जगह ले ले, तो मुझे बड़ी खुशी होगी कोई मेरी जगह ले ले, क्योंकि वो बात फिर वहीं पे आती है, उसके अपने नसीब है मेरे अपने नसीब है, और किसी को सिखाने से नॉलेज कभी भी कम नहीं हुआ, बढ़ता ही है। तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसको कंटिन्यू करें, मैं इंशाल्लाह कनेक्ट रहूंगा। बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला जी, ये बहुत अच्छा हो गया, मुझे खुशी है। और बाकी आज ये डेवलपमेंट के हवाले से इतना नहीं हो सका है, लेकिन ये जो आपका एक वो बातें आपने जो बताई हैं इंटरव्यू टाइप, ये मतलब ये मैं कहता हूँ कि ये इस सीखने से भी ज़्यादा अहम है कि आपके अंदर पहले ये कि मोटिवेशन पैदा हो कि आप कुछ करें, ये नहीं है कि आप सीधा आपका एक ही टारगेट हो मैंने पैसे कमाने हैं, पैसे कमाएँ, पैसे आपका हक है, वो आपकी ड्यूटी है कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया अपने रिज़्क के लिए निकलो भाग दौड़ करो कमाओ, लेकिन यह कि आपका वो मेन मकसद वो नहीं है, पहले आप सीखें स्किल बनाएं फिर आप ठीक है उस तरफ आए। तो ठीक है फिर मैं इसको क्लोज करता हूँ। वैसे मैंने कुछ अपने तौर पे भी कुछ चीज़ शेयर करनी थी, असल में मैं इसकी ट्रांसलेशन कर रहा था अपने वेब डेवलपमेंट की, वैसे मैं उर्दू में ट्रांसलेशन कर रहा था, तो इसमें मेरा जेन में था कि एक और मैं सेक्शंस जो है ना उस पर, क्योंकि टाइम इसमें 3 घंटे है, कुछ लोग मुझे कह रहे हैं कि मैं इसको टाइम को कम करूँ ना 2 घंटे कर लूँ, तो शायद मैं उस तरह शायद याद हो मैंने भी आपको बोला था 3 घंटे बहुत बोर हो जाते हैं। हाँ वो वाकई इतना ज़्यादा टाइम निकाल भी नहीं पाते, आप छोटे छोटे सेशन रखें, ठीक है, और हो सके तो ये कर लें कि एक सेशन 3 बजे 3 से 4 का रख लें और एक लेट नाइट का रख लें, हो सकता है बहुत से लोग आज उनको छुट्टी नहीं होगी वो अटेंड नहीं कर पाएंगे, शायद बाद वाला कर लें, दो या तीन डिफरेंट टाइम रखें, उसमें जहां पे आपको ज़्यादा ऑडियंस मिलती है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करें। ये जो टाइम है अब हर किसी का सैटरडे संडे ऑफ नहीं होता, और नॉर्मली इस टाइम पे मोस्टली लोग वो होते हैं कि अगर उनके पास टाइम है भी ना तो वो आज वीकेंड है तो वो किसी न किसी घर के काम में फैमिली के साथ टाइम गुजार रहे हैं, लेकिन जब लेट नाइट होता है बच्चे सो जाते हैं और वो हो सकता है घंटा डेढ़ घंटे दो जो रात के टाइम के वो दे सकें, और आगे फिर संडे है सैटरडे की नाइट को अगर आप करते हैं संडे है तो उनको पता है कि सुबह हमने ऑफिस नहीं जाना है, नहीं जाना, ठीक है, तब भी
हो सकता है टाइम दे सकें, उससे आपकी ऑडियंस में भी बढ़ जाए। तो दो या तीन डिफरेंट टाइम के ऊपर ट्राई करें जिसमें आपको ऑडियंस ज़्यादा मिलती है। मकसद ये, आप तो अपना टाइम दे ही रहे हैं तो वो टाइम वैल्यूएबल हो जाएगा कि जब आपके पास ऑडियंस ज़्यादा होगी, ठीक है। तो उस तरह से इंटरनेट के ऊपर मटेरियल भरा पड़ा हुआ है तो आप रिकॉर्डिंग को अपलोड तो कर दोगे, सबसे पहले 3 घंटे की जब रिकॉर्डिंग को देखेगा 3 घंटे की, वो वैसे ही हो सकता है बंद कर दे। बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब छोटी जो रिकॉर्डिंग है ना 15 मिनट 20 मिनट जो खास रिकॉर्डिंग है उनके ऊपर लोग टाइम दे देते हैं। असल में नदीम भाई इसमें एक इशू है ना कि ट्यूटोरियल एक होता है, ट्यूटोरियल आप 15 मिनट का बनाते हैं जी के 15 मिनट में HTML की फलां चीज़ आप सीख लें, लेकिन उसमें जो मिस हो जाती है ना चीज़ वो होती है इंटरेक्शन। तो मैंने देखा है कि जो बंदे हैं वो उस चीज़ पे आके स्टक हो जाते हैं कि यार ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई। तो मेरा मेन इसमें ये शुरू करने का मकसद ये था कि जो बंदे इस तरह फंस जाते हैं चीज़ों में वो मुझसे सवाल पूछें, जो मुझे पता है वो मैं बता दूंगा, जो नहीं पता वो माजरत कर लूंगा या फिर खुद से देखने की कोशिश करूंगा। तो मेन इसका मरकजी ख्याल इसका इस ये सेशन रिकॉर्ड करने का मरकजी ख्याल यही है। सही है, अच्छी बात है, इससे इंटरेक्शन से यही होगा कि भाई जो उनको पता होगा कि हाँ एक बंदा अवेलेबल है, हम जब फंसेंगे तो उस फलां टाइम पे जाके उससे हम कोऑर्डिनेट कर लेंगे। लेकिन ये है कि आप बहुत से सोशल मीडियम्स भी हैं, लाइक अगर आप किसी के साथ अपना ईमेल शेयर कर देते हैं, आप उसी कमेंट्स के सेक्शन में अगर वो आपको मैसेज करते हैं आप उधर भी रिप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप मीटिंग भी रख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप कुछ ट्यूटोरियल्स बना लें शॉर्ट, ठीक है, और फिर जो आपकी मीटिंग हो उस मीटिंग में आप बेशक उन ट्यूटोरियल्स को गो थ्रू कर लें। जितना शॉर्ट रखेंगे उतनी ऑडियंस ज़्यादा होगी, जितना लंबा करेंगे उतनी ऑडियंस गायब हो जाएगी। उसकी रीज़न ये नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा कि लोग जो है वो टाइम नहीं देते, उसकी रीज़न ये है कि लोगों के पास इतना टाइम है ही नहीं, मैनेज ही नहीं होता आजकल इतना टाइम निकालना और रूटीन में। तो वो आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा कि आप जो है वो किसी और अपनी जो एनर्जी किसी और चीज़ की तरफ भी लगा सकते हैं, लेकिन आपने अपना एक मैसेज कन्वे किया हुआ है कि भाई आई एम अवेलेबल फॉर यू एवरी टाइम, वेन एवर यू नीड आई विल बी देयर। सो इससे ये होगा कि आप अपनी एनर्जी भी बचा रहे हैं, कहीं और भी लगा रहे हैं और आप लोगों के लिए अवेलेबल भी हैं। तो या तो फिर ये है कि अगर आपने सेशन रखना है तो फिर 3-4 डिफरेंट टाइम के ऊपर ट्राई करें जिसमें आपको ऑडियंस ज़्यादा मिलती है, उसकी उस टाइम के ऊपर अपने आप को चेक कर लें। ये जो खास टाइम है ना इस टाइम पे आपको ऑडियंस बहुत कम मिलेगी। सही है, 3 से 6 का टाइम है ना, इसमें लोग आज सैटरडे है, किसी को तो छुट्टी नहीं होगी, अगर किसी को छुट्टी होगी तो वो फैमिली के साथ टाइम गुजारेगा। रात के टाइम पर सारे काम से जब फ्री हो जाता है ना तो बंदे के पास वैसे भी टाइम होता है, थोड़ा वो मोबाइल देख रहे होते हैं, कोई फेसबुक देख रहे होते हैं, तो उस वक्त हो सकता है ऑडियंस आपके पास ज़्यादा आ जाए और आप उसमें जिसमें आपके पास ऑडियंस ज्यादा हो वो एक टाइम सेट कर लें कि हाँ भाई इस टाइम में लोगों को या जो भी आप सेशन रखें, ठीक है, लोगों से सजेशन लें कि आपका प्रेफरेबल टाइम कौन सा है। ठीक है, हो सकता है कि कोई बड़ी मुश्किल से इस टाइम में वो लेना चाह रहा है, उसमें करंट है लेकिन उसको टाइम मैनेज करना मुश्किल हो रहा है, बड़ी मुश्किल से इस टाइम में किस तरह से मैनेज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब उसको थोड़ी सी ईज मिलेगी कि आप फ्लेक्सिबल टाइमिंग में जा सकते हैं तो वो उसके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो अपनी टाइम थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करें और डिफरेंट उसमें टाइम लाइन्स में चेक करें कि जिसमें आपको ऑडियंस ज़्यादा मिलती है उस टाइम को यूज़ कर लें, और जो है ना सेशन थोड़ा शॉर्ट रखें। आपने कौन सा एक दिन में सारा किसी को डेवलपर बना देना है, थोड़ा थोड़ा फीड करते रहें, ठीक है, लोग सीखते रहेंगे और चलते रहेंगे। सही है, चलें इधर भी नमाज का टाइम बस शुरू हो गया है, तो अल्लाह हाफिज़ जी, फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक करेंगे। अल्लाह हाफिज़ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।